टिकट पे पैसा खर्च किया, अच्छी जगह है ना। 20 का ही तो टिकट है। हाँ हाँ। रामपुर आके शूटिंग नहीं देखा तो क्या देखा। अरे फिल्मों में तो गेट बड़ा दिखता है। ये असली गेट है, नकली नहीं। ओ अच्छा। अंदर कोई शूटिंग चल रही है क्या? अभी किसी शादी का फोटो शूट चल रहा है। नहीं नहीं, फिल्म की शूटिंग ना, अभी अभी अक्षय की फिल्म का शूट खत्म हुआ है, अगले महीने यहाँ एक और फिल्म शुरू हो रही है। अच्छा ठीक है। अब अगली फोटो में आप झूले पर चढ़ जाना, भाभी जी के साथ स्टाइल में झूलते हुए मस्त फोटो लेंगे। हा? नहीं नहीं ठीक है, अगले हफ्ते हनीमून भी जाना है ना। चल फोटो खींच, मूछ कड़क दिखनी चाहिए। ये राज घराने की कुलदेवी का मंदिर है। कुंभ के महीने में हर साल यहाँ उत्सव होता है। अपना फेवरेट एक्टर सोचो। सोच लिया? सोच लिया। मेरी आंखों में देखो। मुकेश खन्ना। बहुत आसान था। अरे वाह, कुछ बढ़िया नहीं सोच सकते थे? ये तो जादू कर दिया आपने। ये कैसे कर दिया आपने? क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं मेंटलिज्म। वो क्या होता है? अरे मेंटलिज्म यार, डॉक्टर वेणु की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए पता है यहाँ गेस्ट हाउस में कौन रुका हुआ है? अरे क्या अंकल, कोई जादूगर है क्या? वो उससे भी बड़ा। मुझे वो ट्रिक पता है जिससे तुम मेंटलिस्ट किसी भी चीज को घुमा देते हो। मैंने बाल यूं ही सफेद नहीं किए, मैं चाल में नहीं फंसूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर आपका आयुर्वेद भी ट्रिक से ही होता है? वो तो प्योर साइंस है। मेरे कई मरीज हैं जिन्होंने थर्ड स्टेज कंप्लीट किया है और वो पूरी तरह स्वस्थ और सेहतमंद है। आयुर्वेद ट्रीटमेंट का बहाना बनाकर तुम यहाँ मेरी परीक्षा लेने आए हो ना? मैं सब समझ रहा हूँ। जीवन ही एक परीक्षा है, खासकर जब परीक्षा हमारे शरीर को लेकर हो। सर बिल्कुल उसी तरह जब सांप केंचुली उतारता है ना? मेंटलिज्म भी एक सच्चाई है सर। कल तुम्हारी इंस्टाग्राम वीडियो देखकर मैंने सोचा कि तुम बस आंखों का धोखा कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम पर डाउट कर रहा था। कल रात कोई घर पर आया था क्या सर? नहीं तो। हाँ कल कुछ बच्चे शॉर्ट फिल्म शूट करने आ रहे हैं, पर फिलहाल तो पूरा घर खाली है। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। कसम से तुम्हारे सवालों से मुझे कभी कभी डर लगता है। पहुंच गए, तुम शॉर्ट फिल्म वाले ही हो ना? जी सर, मैं तपस। आप? हाँ, राजेंद्र। सही कहा, अकेले ही आए हो? बाकी लोग बस आते ही होंगे। ये कोई लंबी चौड़ी फिल्म की शूटिंग नहीं है सर, हमारी टीम छोटी सी है। वो सब ठीक है, शॉर्ट फिल्म बनाने वाले यहाँ सैकड़ों आते रहते हैं, मगर भाड़ा मांगो तो भाग जाते। भाड़ा मिलेगा? बस आपको हमारी पूरी मदद करनी होगी। पैसे दोगे तो सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। ऊपर एक बड़ा सा हॉल भी है, सिर्फ थोड़ा सा चूना उना लगाना पड़ेगा।
आज विजिटर्स इतने कम क्यों हैं? लोग सैटरडे संडे आते हैं। वैसे तुमने रहने के लिए होटल होटल बुक किया है कि नहीं? हमें रूम की जरूरत नहीं है, हम यहीं रुक जाएंगे। यहाँ इतनी जगह है तो सही। एक्चुअली हम यहाँ एडवेंचर के लिए आए हैं। टीम के दूसरे लोगों से मैं आज तक कभी मिला ही नहीं हूँ। क्या? हम सब बस ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। इंटरनेट पर हमारा एक ग्रुप है फिल्म दीवाने नाम से, ये पूरी टीम उसी ग्रुप से है। भैया वो सब तो ठीक है, मगर तुम यहाँ नहीं रुक सकते। ऐसा मत बोलिए, ये जगह तो न जाने कितनी महान फिल्मों की याद दिलाती है अंकल। हम इस जगह का पूरा मजा लेके जाएंगे। लो दूसरा बंदा पहुंच गया, रामगढ़ का ठाकुर। मगर शोले में संजीव कुमार का भी यही नाम है जो लड़के का नाम है। हाँ उसी ठाकुर का बहुत बड़ा फैन है नीलेश। हमारे ग्रुप के ज्यादातर लोगों ने अपने निकनेम्स रखे हुए हैं, असली नाम का इस्तेमाल करने वाले मेरे जैसे बहुत कम है। तो इस नीलेश का असली नाम क्या है? मुझे भी नहीं पता। क्या? और यही तो इस गेट टुगेदर की एक्साइटमेंट है। मतलब उनके साथ शॉर्ट फिल्म बना रहे हो जिनसे कभी मिले तक नहीं? अरे लुक टेस्ट तो किया होगा ना? नहीं चाहिए, हम शूट कर रहे हैं अपनी खुद की कहानी, ऐसे ऑनलाइन फ्रेंड्स जो एक दूसरे को जानते तक नहीं। उस टाइम जब उनकी लाइफ में इंटरवल चल रहा था वो यहाँ आकर रुके, इसलिए फिल्म का नाम भी इंटरवल होगा। अब जो भी यहाँ आएगा वो अपना अपना कैरेक्टर निभाएगा, और इस फिल्म का मार्केटिंग पॉइंट भी यही है, यही इसको अलग बनाएगा। कैसा लगा? तुम्हारी फिल्म सुपर हिट होने वाली है बेटा। जब नाम ही असली की तरह रखा है तो नल्ला माल भी असली के दाम में बिक जाएगा बेटा। भाई साहब पैसे दो। ओह सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया था। ये लो छुट्टा रख लो। एहसान नहीं चाहिए, ये लो पैसे। ओह हीरो की एंट्री की प्लानिंग की थी मैंने, प्लानिंग पे पानी फेर दिया। अबे सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। निलेश तपस रामगढ़ के ठाकुर। निलेश, निलेश आनंद चोपड़ा। नाम भी एकदम हीरो जैसा है तुम्हारा। सच्ची में? हाँ। माँ बाप ने रखा था, और कोई आया नहीं क्या? नहीं, तुम पहले हो। और बताओ क्या काम करते हो? मैं दुबई में रहता हूँ, वहाँ अपना फैमिली होटल बिजनेस। अच्छा, है। तभी इतने गोल मटोल हो। हाँ राजेंद्र अंकल, यहाँ के करता धरता। आदमी है कि पैजामा, ऐसे क्या देखे जा रहे हो? आप मुझे एक योद्धा दिख रहे हैं, आपको योद्धा बुलाऊं? क्या कटप्पा तो नहीं समझ लिया कहीं मुझे? काश आप कटप्पा होते, लेकिन आप उसके नाखून भी नहीं। शाम होने वाली है और दिन ढलने वाला है, इससे पहले कि कोई आ जाए दो रुपए दे दे बाबा रे दावा रे। प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शोर क्यों कर रहा है? शोर मचा रहा हूँ। अरे क्या है कि रिहर्सल नहीं करूँ ना तो मुझे काम नहीं होता। अपने ग्रुप की एक लड़की बाहर आ चुकी है, और वो राजेंद्र अंकल उसे अंदर नहीं आने दे रहे। अच्छा, ये डमरू जैसा बबरू पकड़। अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? इस देश में लड़कियों को आजादी है या नहीं? अरे वो बात नहीं है, मेरी बात समझो। अगर मेरे ग्रुप के लड़के अंदर जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारे अंदर जाने से कोई एतराज नहीं है, मगर ये झोला झंडा लेकर तुम अंदर नहीं जा सकती हो। और फैसला करने वाले आप होते कौन है? मैं यहाँ का करता धरता हूँ। अरे कोई समझाओ इसे। अभी अंकल क्या बकवास कर रहे हैं थपस माथुर भैया? बिल्कुल सही कहा। अभी ये कौन है? मैं वो कक्का कौवा। तो ये भी यहाँ के फालतू लोगों में से एक है। पापा पापा पापा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मैं रामगढ़ का ठाकुर हूँ, मैं नीलेश आनंद चोपड़ा, और मैं बैचलर भी हूँ। मेरा नाम है अनु कुमारी डिसोजा, माँ बाप का नाम मिला कर रखा है। अच्छा, माँ हिंदू पापा क्रिश्चियन। तुम तो बड़ी फेमिनिस्ट लगती हो, खाना भी तुम्हें वेज ही पसंद आता होगा। शट अप, इसलिए तो लड़कियाँ फेमिनिस्ट हो जाती है। अनु तुम ये बताओ, तुम हो कहाँ से, क्या करती हो, शादी हुई या नहीं? वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, एक नर्स हूँ, डिवोर्सी हूँ। डिवोर्सी हो? सच में? मैं भी डिवोर्सी हूँ। बैचलर हूँ ऐसा क्यों बोला था? वो डिवोर्स होने के बाद आदमी बैचलर हो जाता है ना, इसलिए बोला था। ये लो, अब प्रिया भी नहीं आने वाली, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़कर कोई दूसरी लड़की पटा ली है। अब कोई आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, अनु है ना। अच्छा, और मेरी कहानी के कैरेक्टर्स कौन प्ले करेगा? वो क्राइम मास्टर गोगो आने वाला था, वो भी नहीं आया। शाहरुख खान तो पहुंचने वाला है। तुम्हें कैसे पता? ग्रुप में तो कोई मैसेज नहीं आया। अरे मुझे मैसेज आया। वैसे तुम ये शाहरुख खान को कब से जानती हो? हाँ, चैट कर लेते हैं, बड़ा ही स्मार्ट है।
चलो कम से कम वो तो आ रहा है, टाइटल सॉन्ग का शूट उसी के साथ प्लान किया हुआ मैंने। अच्छा डांसर है, बड़े ही बोरिंग होते हैं, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं ये लोग, सिक्स पैक बना के सिर्फ अपनी बॉडी शेप को ही देखते हैं अगली फेलोज, सीरियसली। देखा घंटी बजी, मंदिर भी है, हाँ है। मैं दर्शन करके आता हूँ। अनु हाँ? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चलो मिलके प्रार्थना करते हैं, चलो आ जाओ। हे भगवान इससे मुझे क्या करा दे, एक नंबर का ठरकी है। तो यहाँ पर हम क्रिसमस वाला सीन कर सकते हैं, खूब सारी लाइट्स लगा देंगे और क्रिप को हम यहाँ लगा देंगे। ओके ठीक है। ये कौन आया? शाहरुख खान। शाहरुख खान भगवान प्लीज सिक्स पैक नहीं होनी चाहिए। Something, something happening. Hi. Hi. ये तो धर्म संकट हो गई, अन्नु या ये? निरंजना। शाहरुख खान मैं ही हूँ। ओह ओके। लड़की होकर शाहरुख खान नाम क्यों रखा? सिंपल, बिकॉज़ आई एम अ शाहरुख खान फैन। सही कहा, तुम अच्छी लगी मुझे, मैं भी हूँ एक चमका हुआ कलाकार। ये क्या हुआ, कहाँ चली गई? मुझे पहचाना ना? ये हमारे नीलेश भाई। ऑफ कोर्स, अन्नू मेरी प्यारी अनारकली। इस शाहरुख खान को देखकर तुम मुझे भी अच्छा खासा सरप्राइज मिल गया। अच्छा क्यों, तुम्हें लगा कोई लड़का होगा इसलिए? इसकी तुम टेंशन मत लो, मैं वैसे भी थोड़ी टॉम बॉयज टाइप की हूँ। कॉफी जल्दी कटक जाओ। अरे ये क्या कर रही है बेटी, कॉफी चाहिए थी तो मुझसे कहती, पता नहीं किन लोगों ने इसमें मुंह मारा होगा। ये मनी अंकल है, मेरी दादी का ख्याल रखते हैं। शूट से पहले मेरी दादी की कुछ शर्तें हैं, वो सुन लो। कैसी शर्तें? एक्टिंग करते समय बेबी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसके कपड़े घुटने से नीचे वाले होने चाहिए। अरे ये तो घुटने के ऊपर है। ये घर में कुछ भी पहन सकती है पर फिल्मों में नहीं। अरे यार सुनो, वो बाथरूम कहाँ है? वॉशरूम उस तरफ है। अरे वॉशिंग नहीं, मुझे हल्का होना है, मैं बस अभी आया। वापस बताना। ये शूटिंग में भी हमारे साथ चिपके रहने वाला है। लगता तो ऐसा ही है पर देखते हैं क्या होता है। कोशिश करने की, जल्दी फट जाए यहाँ से। तुम्हें ये जगह दिखाते हैं। तपस्या स्क्रीन पे आग लगा देगी, आग। ऐसा एक सिचुएशन में था कि मैं इसे उठा के ढक्की चक्की नाच करूं, देख पिक्चर सुपर हिट हो जाएगी। पहले अपनी आदतें सुधार ले। असली हीरो मैं हूँ, ढक्की चक्की ढक्का। फिकर करने की कोई जरूरत नहीं, तालाब का जल सबसे स्वच्छ होता है बालक, बड़े बुजुर्ग ब्योड़े यही कह गए हैं। हाँ। टेंथ के बाद तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो पेरेंट्स ने कुछ कहा नहीं? क्या कहते? वो जानते हैं कि मुझे डांस अच्छा लगता है, मेरे पेरेंट्स मॉडर्न हैं। स्क्रिप्ट में एक छोटा सा चेंज है, मैंने प्रिया और हेलन वाले सीन्स हटा दिए, मतलब फिर से लिखे हैं। अच्छा? और क्राइम मास्टर गोगो के डायलॉग्स हम सब आपस में बांट लेंगे। अब मजा करेंगे, मैंने उसी दिन बोला था ना वो क्राइम मास्टर है, क्राइम मास्टर गोगो। गलती मेरी है, भरोसा नहीं करना चाहिए था कि वो आएगा। नीलेश आनंद चोपड़ा तो है ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, नीरू को भी और अन्नू को भी। सॉरी मैं लेट हो गया। हेलो गाइस, ऐसे घूर क्या रहे हो, पहचाना नहीं क्या है? सच में नहीं पहचाना? गेस करो। अबे तू हिंदी बोल रहा है या बंगाली? क्या पता? खाने का ऑर्डर दिया था तो पैसे देके फुटा इसको। बंगाली होगा तेरा बाप। अरे ये मैं हूँ, क्राइम मास्टर गोगो। अच्छा, झटका लगा कि नहीं, बोलना मोटू। हाँ बहुत झटका लगा, इतनी गंदी शक्ल कैसे हो सकती है? रामगढ़ के ठाकुर को ये सब अच्छा नहीं लगता, चला जा। तू ये क्या ठाकुर? और कौन? अरे वो ढीले एक्टर के पास मेरे जैसा फिट बॉडी फिट दिमाग होना मांगता है, तेरे जैसा छिला हुआ कलिंगड़ नहीं चलता है, जबान मुँह में रख। तो सब अपन को पहचान लिया ना, तो शुरुआत झप्पी से करते हैं। आजा आजा, ये तू भी आजा, झप्पी दे दे। जोसेफ, जोसेफ डिकोस्टा। अरे सिर्फ लड़कियों को झप्पी देगा, मुझे नहीं, तेरे को तो बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, देर आया दुरुस्त है, एक काम करते हैं रीडिंग कर लेते। नहीं नहीं उसका जरूरत नहीं लग रहा है अपन को, अपन डायरेक्ट देता है रे। ठीक है तो मैं फाइनल ड्राफ्ट सबको व्हाट्सएप कर देता हूँ। नहीं नहीं, ड्राफ्ट वाफ रिहर्सल की मेरे को जरूरत नहीं, आई एम अ नेचुरल एक्टर। अबे झंडे को पता है वो बोतल कितनी महंगी थी? वो क्या है ना कि उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी इसलिए फेंक दी। उल्लू का पट्टा गई रे। शॉपिंग मॉल में सैलरी अच्छी मिलती होगी ना? पैसा तो अच्छा मिलता था लेकिन अपने खर्चे के हिसाब से कम था। पर नीरू अगले साल उसी मॉल में खुद का बिजनेस करूंगा। इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा है? जहाँ पे काम करता हूँ वो दुकान बंद करवा दूंगा, वहाँ अपनी दुकान अच्छा। खोल के बहुत पैसा कमाऊंगा। हाँ, बस ऊपर वाला साथ दे दे। इसकी आईडी क्या बताई तूने? क्राइम मास्टर गोगो। इसीलिए सही नाम चुना। गाइस वन सेकंड, मैं अपना फोन भूल गई। क्या? हाँ
लुंगी दिन दहाड़े सो रहा है। अपन के ग्रुप का है क्या? एक्सक्यूज मी, यस, आप कौन है? मैं एक पेशेंट हूँ। यहाँ क्या कर रहा है? हॉस्पिटल जा। क्या बक रहा है? मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं। राजेंद्र अंकल और मैं इस वक्त यहाँ पर ताश खेलते हैं। अभी वो पान खाने गए। सॉरी, कल से हमारे यहाँ शूटिंग है तो खेलना मुश्किल होगा। हाँ, अंकल ने बताया था। एनीवे, ऑल द बेस्ट, जॉन डॉन बॉस्को। तपस माथुर। जोसेफ। जोसेफ, हाँ हाँ। और मैं हूँ अनु, अनारकली, ऑस्ट्रेलिया से। अब मैं बोलूं? मैं नीलेश आनंद चोपड़ा, रामगढ़ के ठाकुर। अंकल ने मुझे बताया था। एनीवे, ठीक है। आप क्या करते हैं? ऐसा कुछ खास नहीं। मतलब बेरोजगार है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाय सर, कैसे हैं आप? मुझे भूल गए क्या? दिल्ली में आपने मेरे पापा की बुक पब्लिश की थी। हाँ जी, एनीवे, वेणु सर की बेटी। राइट। सर अभी भी पढ़ा रहे हैं ना? अगले साल रिटायर हो रहे हैं। गाइस, ये फेमस मेंटलिस्ट है, जॉन डॉन बॉस्को। मेंटलिस्ट? चलो कंफर्म मेंटलिस्ट। सर सर, एक फोटो ले लें प्लीज। पापा देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ठरकी कहीं का। नीरू फ्लैश ऑफ कर दे, नहीं तो टकले से बाउंस होके आएगा। वैसे ये शैतान की साइन है। अच्छा ऐसा? सही में? तो चेंज कर लेते हैं। सर आप थोड़े दिन यहाँ रहेंगे ना, इस बार मुझे मेंटलिज्म सिखा देना। लास्ट टाइम मुझे प्रॉमिस किया था। ये मेंटलिज्म धोखा ही धोखा है, सब प्रीप्लान्ड होता है। कई मेंटलिस्ट मेरे ऑनलाइन फ्रेंड है, उन्होंने ही बताया। सही बोल रहा होगा। चलो एक काम करो, आग बंद करके बिना टच के बताओ हमारे बारे में। हाँ बताओ। बड़ा ही बोरिंग चैलेंज है। देखा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। सॉरी सर, चलेगा। नीलेश, तुमने एक रेस्टोरेंट खोला है ना? सही है। क्लाइंट को मैसेज करते वक्त ग्रामर का ध्यान रखना, वरना कस्टमर खोदोगे। वी आर रीओपन नहीं, वी हैव रीओपन होता है। चेक योर मैसेज। दिखाओ। ओके बाय। अरे फ्रॉडी, मतलब सर मैं तो बस मेंटलिस्ट के पेज फॉलो करता हूँ, मेरी जान पहचान किसी से नहीं है। वैसे आपको कैसे पता चला? एकदम सिंपल है, कीपैड के हर लेटर की आवाज अलग अलग है, समझना पड़ता है। जय बात इतना ही चे, इसी को बोलते हैं क्या मेंटलिज्म? जोसेफ, तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारा झगड़ा खत्म नहीं हुआ ना? और एक टाइम के बाद घर छोड़ना ही सही रहता है, जिम्मेदारियों का एहसास होता है। You all take care. हाँ? ओए, पापा से सच में झगड़ा है? झगड़ा तो नहीं, पर इस टकलू को पता कैसे चला? क्या तूने पापा को मैसेज भेजा था? मेरे मोबाइल में बैलेंस ही नहीं है। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्वैकदानमदयो वजसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रु किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजादे नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्यातुतोष भगवान् गजयूथपाय। अरे बाबूजी, क्या आपको मैं तनूप तलोटा के नाम से बुला सकता हूँ? अरे क्या जरूरत है, उसकी आवाज भी खटमली, मेरा मतलब है मखमली है। कोई भी काम हो तो बुला लेना, मैं बस यहाँ पास में ही रहता हूँ। जॉन सर ने सिफारिश की, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ रहने की इजाजत दी है। किसी तरह का अनैतिक कार्य करने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अंकल आप आराम से जाइए, हम सब संभाल लेंगे। इसी में तुम सबकी भलाई है, समझ लो। रात को कोई अजीब और गरीब आवाज सुनाई दे तो बाहर कतई नहीं निकलना। ऐसा कहकू क्या है? ऐसे दुर्गम इलाकों में आत्माएं मंडराती रहती है। इसी घर में यहाँ के पुराने जमींदार ने आत्महत्या की थी। छठे जमींदार ने? जमींदारों के नंबर नंबर नहीं होते यहाँ। जमींदार को बच्चों के खेलने वाली गुड़ियाएं बनाने का बड़ा शौक था, पर उसका अपना कोई बच्चा नहीं था। खैर छोड़ो ये सब बातें, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था। ठीक है, डरना नहीं। चलो। ऐसी कहानी सुना रहे हैं, जमींदार के नंबर होते थे। अच्छा, बत्ती गुल होने से पहले सबके नंबर थे। इधर लाइट भी डराती है क्या?
कम वोल्टेज में डिस्को होता ही रहता है। करेक्ट, यस। आधी रात हो गई है, सब लोग सोने जाओ। सिर्फ 5 मिनट। हाँ। कल के शूट का प्लान कर लेते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। ये कोई टाइम नहीं है प्लानिंग करने का। मनी अंकल प्लीज, मनी अंकल थोड़ा टाइम दो ना। प्लीज मान जाओ ना। सिर्फ 5 मिनट। ठीक है। ये जंगली लंगूर अब हमारे साथ सोएगा भी क्या? सॉरी, पर मनी अंकल के बिना दादी मुझे शूट पर आने ही नहीं देती। जब दोनों मुझे तंग करते हैं ना, तो मैं ही जानती हूँ क्या हाल होता है। अरे वो सब जाने दो, अब ये सोचो कि मेरे सोने के लिए गद्दा कहाँ से आएगा। चटाई में कमर बहुत दर्द होती है। गाइस प्लीज लिसन, हम सब अपनी बोरिंग लाइफ से भागकर यहाँ कुछ करने आए, और कुछ दिनों बाद वापस उसी फालतू दुनिया में पहुँच जाएंगे। पर जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास अपनी फिल्म की एक डीवीडी जरूर होगी, फिर चाहे फिल्म अच्छी बने या बुरी बने, व्हाटएवर। पर जब भी हम इस फिल्म को कभी देखें तो वो हमें इन खूबसूरत दिनों की याद जरूर दिलाए। यानी हमें अभी से अपना 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। रेडी? पराए मर्द को हाथ नहीं लगाते अपन, है ना? आजा चल हट पगली। पूरे ग्रुप में से सिर्फ अपन 5 ही इधर आए। बसंती एक्टिव थी ना ग्रुप में, मेरे को लगा वो आएगी, पता नहीं काय को नहीं आई। तुम जैसे लोगों से डरती होगी वो। अरे वो बबीता भाभी के पड़ोस का बच्चा बीमार हो गया था ना, इसलिए वो नहीं आई। तुम्हें कैसे पता? मुझे तो नहीं पता। मैंने वो आलिया भट्टी की आईडी से पूछा ना, तो तब उसने सच बता दिया। ओ, आलिया भट्टी का आईडी तेरा है क्या? हाँ, वे क्राइम मास्टर कोको, तू क्या मैसेज भेजते रहता है आलिया भट्टी को, दिखाओ इन सबको। पूरा दुनिया ही नकली है। मैं भी एक बात बोलूं क्या? बोलना। तेरे को क्या लगता है सनी दियोनी कौन है? तू है। अरे मैं हूँ मोटे। सुनो, ऐसे क्या खड़े होकर बड़बड़ा रहे हो? दरवाजा बंद करो और चलो सो जाओ। चलो 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 चलो, मैं हूँ ना कंपनी देने के लिए, चलो जाओ। अरे भाई ये सोने का टाइम है, ये नौटंकी बंद करो और खुद भी जाके सो जाओ। फिल्म बनाने वाले, हे ईश्वर कृपा करना। छोटू, क्या उस आखिरी जमींदार ने इसी पंखे पर लटक कर आत्महत्या की होगी? अभी काय को याद दिला रहा है यार। अरे ना बोल देना, ताकि मैं सो सकूं आराम से। ओ ठीक है, नहीं है, चल सो जाते हैं। अरे माँ कसम, इतनी रात को कौन है? एक सेकंड आता हूँ। कहाँ जा रहा है? तेरी लवर है, नाम बता। अरे फ्रेंड है रे, नताशा नाम है उसका। क्या? नताशा साइमन। वैसे दिखने में थोड़ी मोटी है, लेकिन उसके बाप के पास ना बहुत पैसा है। अच्छा। प्यार में मोटा पतला क्या देखने का। बात करके आता हूँ। फंसेगा लड़की के चक्कर में। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? जोसेफ तो सो गया। मैं जोसेफ की जान बोल रही हूँ। अच्छा। फिर से बकरा बनाया ना। अरे मैं जोसेफ हूँ रे। हाँ अरे सच्ची मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। अरे नट्टू सच में मैं जोक कर रहा था। अरे यार लड़की का आवाज मैंने निकाला। अरे तो फोन रख ले मोटी आलू की बोरी। अरे तेरे बाप के पास पैसा है तो मेरे को झूठा साबित करेगी। अरे मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। हाँ हूँ मैं किसी के साथ, और वो पतली है। अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया, अब नीरू ही मेरे लिए सब कुछ है। जमींदार का भूत। भूत है। अरे खुद देखा, उधर चल रहा है। अरे कुछ नहीं है, ये लड़का पागल हो गया है। मैं पागल वागल नहीं हूँ नीरू, अपने प्यार की कसम उधर भूत है। अरे तू अपनी जुबान पे लगाम दे। अरे कोई मुझे पानी दो, उधर मैंने भूत देखा। आ गया आ गया। अरे ये तेरी, ये तुझे भूत लगता है? वो तू था मोटे? हाँ मैं ही हूँ, क्यों क्या हुआ बे? तो इस जोकर को तुम भूत समझ बैठे? अरे कोई भी समझेगा, आधी रात को अकेले ऐसे भटकेगा तो। इसके तो क्या हो गया, मेरे बिना तुम लोग गेट टुगेदर कर रहे हो? एक और बात, रात को इस तालाब में नहा के देखो, फ्रेश फील करोगे। आधी रात को कोई ऐसे नहाने जाता है क्या? और ये छड़ी लेकर नहाने क्यों गए थे तुम? कुत्तों को भगाने के लिए। ये क्या है? ये तालाब में मिला था, अच्छा है ना? मैं दिल से बच्चा हूँ अन्नू। याद है जमींदार को ऐसी गुड़िया बनाने का शौक था? ऐसा क्या? मैंने एक जापानीज हॉरर मूवी देखी थी, जिसमें ऐसी मूर्ति में बुरी आत्मा थी, जो भी उसे पहले देखता था मर जाता था। पहले तो तूने ही देखा ना? तुम ना अंदर जाओ और सो जाओ, बकवास करते रहते हो। बकवास नहीं है, ऐसी कहानियां सच में होती है। ये यहाँ रहेगी तो खतरा होगा। क्या खतरा इसमें? बारबी डॉल जैसी ही तो है, इससे क्या डरना? प्लीज इसे फेंक दीजिए ना।
क्या करेगी ये? इसे तालाब पर रख दूं फिर ठीक रहेगा ना? हाँ। सब लोग सुनो, जाकर दरवाजा बंद करो और सो जाओ। चलो जाओ जाओ, जाओ, जाओ। सो जाते। ये क्या कर रहा है? सॉरी सॉरी, मैं डर गया। पढ़े लिखे होकर भी तुम लोग भूतों को मानते हो इस जमाने में? और भूत फुसकी कहीं गए, आए हैं फिल्म बनाने। अनु डर लगे तो दरवाजा खुला छोड़ देना। चल निकल। बंद कर तेरा ये ठरकीपन, अपनी गर्मी निकालने के लिए उसी तालाब में जाके सो जा। आज बैंक बैलेंस है, बड़ा सा एक बंगला है अपन का, लोगों का जूता पॉलिश कर करके उनका दांत चमका चमका के बड़ा हुआ है। घर पे माँ है कि नहीं वो तो बताइए। तू मेरी माँ के बारे में बात मत कर, खोपड़ी सटक गई तो तेरा सर फोड़ दूंगा, नहीं तो मेरे पप्पा की तेरे को मार डालेगा। क्या तेरे पप्पा को? यार तुम दोनों बस करो, अब चल के सोते हैं, सुबह शूटिंग है। अरे अबे तेरा दिमाग खराब हो गया, भभू बजा रहा है। अरे सुनो, पता है मैंने अभी बाहर क्या देखा? क्या देखा? एक आदमी सीना ताने खड़ा है। चलो मेरे साथ आओ ना, चलो देखो बाहर, आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी आओ। उधर देख, कहाँ है बता? यहाँ तो कोई नहीं, कोई नहीं है, किधर था? अरे भूत को उंगली काय को दिखा रहा है। जॉन सर को भी बुला लेना चाहिए था। अरे वो टकला बकवास आदमी है, अभी से बोल रहा हूँ ना, उसको पास आने भी बंद है, पजामा आदमी है, चिपकेगा ना। अरे वहां कसम लव बाइट दिया रे, अच्छा लग रहा है। ये क्या कर रहे हैं? नारियल तो हम गणपति के लिए फोड़ते हैं। शेखर कपूर भी हॉलीवुड में नारियल तोड़ते हैं अपनी शूटिंग से पहले। शेखर कौन है? क्या मालूम, इसे भी नहीं पता। निश्चिंत हो जाइए, अब सब कुछ अच्छे से होगा। थैंक यू पंडित जी। ये कैमरा 5D है ना? हाँ जी। अल्ट्रासोनिक। मैं भी एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर चुका हूँ, मंदिर से भागो। इस कहानी में एक बच्चा मंदिर से भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, और वो बड़े बूढ़ों की इज्जत करता है, उनकी सेवा करता है और लोगों का भला करता। कहानी बड़ी है, बड़ी है। चलिए काम शुरू कीजिए। शूटिंग के दौरान कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, मैं वहीं पूजा करता हूँ। शूटिंग से तो पेन नहीं पड़ता ना। ठीक है जी, चलो। लेट मत करो, शुभ काम में देर नहीं करते। रात को मच्छरों ने परेशान तो नहीं किया तुम लोगों को? नहीं नहीं, भूतों ने परेशान किया। क्या? अच्छा बंदर, ओ, राजेंद्र जी, रात को ये मूर्ति उठा कर लाया, सब लोग बहुत डरे, अपन थोड़ा ही डरा। कल रात जब मैं मूर्ति फेंकने बाहर निकला तो एक आदमी सीना तान के खड़ा था, फिर बाद में गायब हो गया। अरे कोई वर्कर होगा, गर्मी लग रही होगी, इसे टहलने निकला होगा। हाँ ये भी हो सकता है। अंकल आप निकलिए, शूटिंग हम कर लेंगे। वैसे फिल्म की शूटिंग के लिए तुम्हें कैमरामैन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? हम खुद ही कर लेंगे। उसके अलावा कैमरा, लाइट, जिम्मी, क्रेन, ये सब नहीं लगेगा क्या? अंकल नेचुरल लाइट है ना, और अब तो सब डिजिटल हो गया है, आजकल तो एक अकेला आदमी भी फिल्म बना लेता है, सुना नहीं? नहीं तो क्या, हम पांच हैं, संभाल लेंगे। लगे रहो, लगे रहो। क्या? रायता फैलाओ। ये भी पागल है। अंकल ने सुबह सुबह अपनी बकवास से मेरा मूड खराब कर दिया। भाई छोड़ना वो सब, मेरी इंट्रो सीन के बारे में सोच, ऑडियंस हिल जानी चाहिए। एक तो वो मूड खराब करके गया, अब तू मूड की बैंड मत बजा। तुझे फिल्म हिट करनी है? नहीं, अरे सुनो, कल रात आसपास तुम ही मंडरा रहे थे क्या? हाँ मैं ही था, क्यों? तुम्हारे गंजे सिर को देखकर मैं डर गया था, पर मुड़ाया क्यों? ये तो बस उड़ गए। हाँ गर्मी है तो बाल तो उड़ेंगे ही। वैसे तुम यहाँ और भी कोई काम करते हो क्या? सब काम कर लेता हूँ। फिर क्या बातें हो रही वहाँ? कुछ नहीं सर, आप जाइए मैं आता हूँ। ठीक है। ये जनाब कौन है? मेरे पास मसाज के लिए आए हैं। क्या तुम मसाज भी कर लेते हो? और नहीं तो क्या। अच्छा, और पैसे कितने लेते हो? फिक्स नहीं है, जो मिल जाए ठीक है। खर्चा मुश्किल से चलता होगा जी। अरे सुनो, हमें अपने परिवार में भी मसाज वाले की जरूरत है। अच्छा, दादी माँ के लिए? ओह, चलना है तो बोलो। सोच के बताऊं? अरे इसमें सोचना क्या है, पूरे 10,000 दिलवाऊंगा, 8,000 तुम रख लेना, 2,000 मुझे दे देना, कमीशन तो बनता ही है ना, करना है तो बोलो। हाँ सोच कर बता देना, ठीक है? टिंग डोंग। आप पिछले 6 सालों से एक ही तमन्ना है मेरे दिल में, कि प्यार मिले, पैसा मिले, मेरे दिमाग में जो ज्ञान है वो चिंगारी उसे रोशनी कर दे, और रोशनी से कुछ। करेट। कैसा लगा है? मेरे भाई थोड़ा सा पैशन इमोशन डाल के बोलना। ये सब नहीं था, एक और शॉट लेंगे। क्या है कि मेरे हाथ में कोई डफली उफली होती ना तो मजा आ जाता, मैं नर्वस सा हो जाता ना, खाली हाथ है। ये झोला काय को लटकाया तू? पर वो तो मेरे कंधे पे है।
तापस भाई ऐसे ढीले एक्टर हॉरर पिक्चर को कॉमेडी बना देते हैं। ज्यादा होशियारी मत कर। साइलेंस, चलो एक और टेक करते हैं। देखो एक बात है, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, इन डायलॉग्स को थोड़ा आसान बना सकते हैं क्या? कैसे? जो आम आदमी की बातचीत होती है ना, बिल्कुल वैसे। ये सब दिल की तमन्ना, 6 साल, ये बहुत ही घिसी पिटी लाइनें हैं। पूरे 6 साल के इंतजार के बाद दिल की तमन्ना पूरी करने आया हूँ मैं। मेरा कैरेक्टर ठाकुर की तरह बात नहीं करता है, प्लीज जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। हाँ ओके ओके, मैं कैरेक्टर में आता हूँ। तुमने समझाया तो हो गया, पर भाई तुम टेंशन मत लेना, ये फिल्म फ्लॉप भी हो जाए ना तो डेट्स किसी को नहीं दूंगा, तेरे लिए रखूंगा। ओके रेडी रेडी रेडी, टेक करो टेक करो। शूटिंग वाले बच्चे परेशान तो नहीं करते? नहीं तो? हाँ, क्योंकि तुम्हारे कहने पर इन्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है। अच्छे बच्चे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। मगर डरपोक है, कल रात ऐसे डरे थे कि उनकी शक्ल देखने लायक थी। अरे मरे हुए पुजारी की गुड़िया उठा लाए, फिर कहने लगे उन्हें भूत दिखा। कितनी बार कहा कि यहाँ रहने वालों को डराए मत करो, बुरा असर पड़ता है। देखिए मैं किसी को नहीं डराता। डर का भी एक अजीब रिश्ता होता है, डर की आग के लिए एक चिंगारी काफी होती है। जमींदार की आत्मा अभी भी नहीं गई है, शाम को उससे बातचीत होती रहती है। देखो बॉस्को, तुम ना डर की चिंगारी मेरे भेजे में मत डालो यार। क्या कहते हैं सर? मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो भगवान से रिश्ता रखता हूँ, भूत प्रेतों से नहीं। डॉक्टर सब जानते हैं, वो जमींदार कल भी यहाँ आए थे, बोले कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। ऐसा क्या? पर आपसे थोड़ा नाराज लग रहे थे। मुझसे? पर मैंने क्या किया? उनके मरने के ठीक 1 हफ्ते पहले बिजली के बिल भरने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे, वो तुमने भरे नहीं ना। ये किसने कहा तुमसे? जमींदार ने खुद, और वो कोई शिकायत नहीं कर रहे थे, बस वो थोड़े से नाराज थे। मैं सर आता हूँ। हाँ बिना मतलब क्यों डराते हो इसको तुम? माँ कसम, योगा कर रही है कि टेंशन दे रही है। उनका आधा लीटर पसीना छोड़ गया रे। तपस। हाँ बोल। शूटिंग स्टार्ट करें? 5 मिनट दे, थोड़ा शांति रख। ओके। अरे तपस स्क्रिप्ट में करेक्शन कर रहा है, तू एक काम करना, कल जो छोटी वाली ड्रेस पहनी थी वो पहन कर आना, मस्त लगती है उसमें। थैंक यू। जोर से वेलकम। काश इस पिक्चर का कॉस्ट्यूम डिजाइनर मैं बनता। अरे बाप रे, आग लगा दी इसने तो, कोई पानी डालो रे। हाँ नीरू थोड़ा और, थोड़ा और। हाँ ये ऊपर खींचना, ऐसा स्ट्रेच कर एकदम गोल, जलेबी की तरह बनने का। मस्त मगे रे। ये मेरा फेवरेट मगे है, मेरे पापा ने दिया था। ऐसा क्या? अरे यार पैर भी उठा लिया। अरे सपोर्ट चाहिए तो बता ना, मैं हूँ ना। hey, क्या कर रहा है बदतमीज लड़के? क्या कर रहा था? बता। ये मदद मांग रही थी। अंकल मुझे बता ये बच्ची कौन है? अरे हम तो सिर्फ इस स्क्रिप्ट की रिहर्सल कर रहे थे। और तेरी स्क्रिप्ट ये ले। मनी अंकल आप क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट क्यों फाड़ रहे हैं? मैं हूँ ना यहाँ पे, आप बताइए ना मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तू गेंडे के जैसे खड़ा है, तुझे क्या पता क्या चल रहा है? तू इन पर नजर क्यों नहीं रखता? खड़ा है बोलने वाला। मनी अंकल आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। बेटी तुम बिल्कुल चुप रहो, मेरे जीते जी ये सब नहीं होने वाला। रुको अभी दादी माँ को फोन लगाता हूँ, बहुत हो गई तुम लोगों की शूटिंग, अभी देखना। दादी माँ को फोन लगा कर बताता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। पापा का दिया हुआ मग। माँ कसम नीरू रो रही है, उसके एक एक आंसू का हिसाब लूंगा, पहचानता नहीं है मेरे को, छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको सर फोड़ डालूंगा। तुझे तो उठाकर उसने फेंक दिया था ना बे। अबे चुप ना, शूटिंग का पहला दिन खराब हो गया, अगर ऐसे चलेगा तो हम काम नहीं कर सकते। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, पहले तुम स्क्रिप्ट को तो ठीक ठाक करो। मेरा कंफ्यूजन आप लोगों है? पहले ही दिन तुम लोग छिछोरी हरकतें कर रहे हो यार, अगर ऐसे चलता रहेगा तो हम शूटिंग कैसे पूरी करेंगे? ऐसा करते काम रोक देते हैं हम। तपस भाई कटा हुआ केला फिर नहीं जुड़ता और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती, समझाए? तू चुप कर। अरे हम लोग तेरे साथ है ना भाई, जो होगा देख लेंगे ना, कल से मक्खन काम निकलेगा। हाँ भाई क्या बोलती है? भाई तो पर इस आदमी का क्या करें, ऐसे तो वो नीरू का डांस भी शूट नहीं होने देगा। नीरू अगर अंकल ने फिर हंगामा किया ना, कसम से बोलता छोड़ूंगा नहीं उन्हें। बिना टेंशन अंकल को यहाँ से निकालना है ना। निकालेगा, अरे मरने के बाद भी उसकी आत्मा भटकने वाली है। रास्ता निकालते हैं, पहले तू स्पीकर हाथ में दे। ये ले इस स्पीकर को लेकर, और तालाब में मिली उस गुड़िया के सहारे हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि उसे लगे काला जादू चल रहा है। आज रात ही वो लुंगी उठाकर यहाँ से भाग निकलेगा। क्या? आज तक उसने सिर्फ मेरी दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी देखेगा। मरेगा। हे ईश्वर, ईश्वर मेरे, अपनी कृपा बनाए रखना। मनी। कौन बोला? तुम्हारा हालचाल तो ठीक है ना? मजाक मत करो, कौन बोल रहा है? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो मनी। सामने क्यों नहीं आते? तुम मेरे साथ चलोगे ना? किस लिए? वैसे तुम हो कौन? सामने क्यों नहीं आते?
क्या तुम इस दुनिया में रहते हुए थक गए हो मनी? थक गया हूँ। भूख लगी है क्या मनी? मनी, मनी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कितने अच्छे दिखते हो मनी। अरे बकर बकर बनकर वो आ रहा है, गाड़ी का ब्लूटूथ ऑन कर। थोड़ा धीरे बोल। बेटी, कहाँ हो तुम सब? चुप रह, बात कर बात कर। बेटी, बेटी, बेटी कहाँ हो तुम अभी? मनी अंकल, किसी ने मुझे कार में लॉक कर दिया है। मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। प्लीज आकर मुझे बचा लो। प्लीज आ जाओ ना अंकल। हे भगवान, बचा ले इस मुसीबत से। एक्टिंग कैसी थी आपकी? नीरू सांस भी नहीं ले पा रही है, क्या मुर्गी जैसी एक्टिंग करती हो? बेटी, मेरी बच्ची। वो कार में घुसने वाला है, कार में रखा ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर। वही तो। बेटी। मनी, मुझे पता था शैतानी शक्ति तुम्हें यहाँ तक खींच लाएगी। मनी, मैं प्यासा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हारा खून पीना है। मनी, मनी। जल्दी। अरे गिर गया, देखो वहाँ पे। चलो उठा लो से, आराम से। धीरे से भाई, मर नहीं गया। प्लान चेंज कर। वो क्या है कि मेरी नातिन की थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए जाना पड़ेगा। हाँ, देखभाल के लिए कोई नहीं है वहाँ। अंकल मैं बोल रही हूँ ना, सब ठीक चल रहा है, आप जाओ। क्या ठीक चल रहा है सब यहाँ? रात का हंगामा भूल गई क्या? क्या मनी अंकल, आपको तो हमसे भी ज्यादा डर लगता है। वहाँ पे कोई भूत भूत नहीं है, ये सब आपके दिमाग का वहम है। इतना डर के यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर डर के मारे कहीं आपको हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा? देखो मैं डरता मरता नहीं हूँ किसी से। वो बेटी की तबीयत, पहले तो आपने उसे नातिन बोला था, अब बेटी बोल रहे हो? बेटी की बेटी बेटी ही हुई ना। देखिए मनी अंकल, आप आराम से जाइए, मैं देखूंगी कि ये शॉर्ट ड्रेस बिल्कुल भी ना पहने, और ना एक्टिंग के दरमियान कोई से हाथ नहीं लगाएगा। इस बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ। अब भी आपका शक का एंटीना खड़ा है तो व्हाट्सएप करता हूँ, वो भी बिना टच किया फोटो चलेगा है? मैं दादी और पापा से बात कर लूंगी। सही बोला, मैं उन्हें समझा दूंगी। आप प्लीज आराम से जाइए। चलो चलो शॉर्ट रेडी है, ये सब अंकल संभालेंगे। चलो चलो। पांचवी कक्षा में अगर वो स्टेज नहीं टूटता ना, तो मैं इससे भी अच्छा डांसर होता। ए हनु, ए सबके लिए चाय बनाना प्लीज प्लीज।
तो सब ठीक है ना? दूध काला होने पर जो तुम इतना चिल्लाई, इसकी कई वजहें हो सकती हैं। वाटर कंटामिनेशन दूध काला कर देता है। आग बहुत तेज हो तो भी हो सकता है। दूध उबालते वक्त तुम यहाँ अकेली थी क्या? हाँ। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसे ही। ऐसा कुछ इससे पहले यहाँ कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। मुझे तो लगता है कि ये किया धरा जमींदार का ही हो सकता है। बिजली का बिल याद है ना? मैं जरा गेट पर जाकर खड़ा होता, वॉचमैन नहीं है ना, डर लगे तो मुझे याद मत करना। वो सर जी। हाँ बोलो। ये साइकोसिस मेटाफिजिक्स का असर तो नहीं लगता आपको? मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे भी नहीं लगता। क्या नहीं लगता? नहीं कुछ खास नहीं, बस यही पूछना था आपसे। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, दूध इसी घर का है? अगर इसी घर का दूध है तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। आपको क्या लगता है मैं सबको डराने के लिए ये नाटक वाटक कर रही हूँ? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। स्टूपिड मेंटलिस्ट। रुको अनु, अरे क्या हो गया तुम्हें? कम से कम ये शॉट तो पूरा कर ले। क्या बात हो गई? पता है कब खत्म होगी? अरे यार, शूटिंग भी रुक गई। अरे नीरू। सो एक मिनट। मैंने ना जमींदार भूत के नाम से फेसबुक पर एक नकली आईडी बनाई है डॉल की फोटो के साथ, बस ऐसे ही सबको डराने के लिए। बाद में सब कुछ बताती हूँ। ओके। क्या बोला उसने? सीक्रेट। ओह, उसके साथ सेटिंग करने का कोई फॉर्मूला है क्या? वो बहुत चिकनी है रे। प्यार करते हो? बहुत जोर से। कल उसका 18वां बर्थडे है ना, तो आज रात मैंने उसके लिए सेटिंग किया है, सरप्राइज पार्टी का। इंप्रेस हो जाएगी ना? पता नहीं, तुम्हारे पापा शादी के लिए मानेंगे क्या? अरे एक बात याद आ गई, उस दिन तुमने बोला ना मेरा और मेरे पापा का लोचा चल रहा है, तुमको कैसे पता चला? जब नीरू अपने पापा के बारे में बता रही थी तब तुम डिस्टर्ब थे। क्या तुम अपने पापा से अभी भी प्यार करते हो? बोलो। बिल्कुल नहीं करता, तेरे को गोली मार दूंगा मैं। पापा से कोई प्यार व्यार करता है क्या? नफरत करता हूं मैं उससे। बस थोड़ा सा और। ये तो बताओ कहाँ ले जा रही हो मुझे? रुको ना, बताती हूँ। ओके। हैप्पी बर्थडे नीरू। वाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Neeru. Happy birthday to you. Many many happy returns of the day. Thank you. इतना अच्छा सरप्राइज मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। ये सब तुमने किया है? ये सब चीज का जुगाड़ अपन किया, वो भी अकेला। Thank you so much. Thank you. Thank you. ये टकले को कौन बुलाया भाई? आज तुम 18 साल की हो गई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या ये वही मग है? देख के नहीं समझी? पापा वाला मग। थैंक यू। तेरा तो पत्ता कट गया। कैसे चिपक रहा है इसने मग वाला आइडिया, मेरे को कहीं को नहीं बताया। टकला कहीं का। वो तुझे कुछ नहीं बताएगा, प्राचीन काल से ही वो मेंटलिस्ट बड़े खुफिया होते हैं, खासकर ऐसे गंजे। खत्म। चलो केक काटो। ओके। ओह सो स्वीट। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो गया? इसका क्या मतलब हो सकता है? तुम ठीक हो? तेरे को कुछ हुआ नहीं है? बंद कर अपना। इतना भी नहीं पता आग के पास स्नोज पे नहीं करते। इंटरनेट पर कितने वीडियो देखा है तूने, कितने हादसे हो जाते हैं। तो डायरेक्ट किसने किया? बाप ने डायरेक्ट किया।
चलो यहाँ से। उसने मेरे बाप को गाली दी, गलती तुम करो और गाली मैं खाऊ, मुझे तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं है, ले पकड़ो। अरे कौन सी बात किधर ले जाता है, ये रुक और इसी गन से मुझे गोली मार दो। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, जरूर ये आत्मा नीरू के पीछे पड़ी है। मुझे नीरू को बचाना होगा, इस आत्मा की रास का पता लगा के रहूंगा। ये सोचकर शूट कर रहा था कि क्या पता शॉर्ट फिल्म में कहीं यूज हो जाए, पर सब बर्बाद हो गया। अच्छा तुम्हारी फिल्म की स्टोरी लाइन क्या है तपस? कुछ पुराने दोस्तों के रियूनियन की सिंपल सी स्टोरी है, धीरे धीरे पता चलता है आसपास भूत है। ओ, भूत वाली कहानी। आत्मा तुम्हारे साथ क्या करती है? फ्रेंडली गोस्ट है। हमें डराने के बजाय ये गोस्ट वो खुद हमसे दूर भागता रहता है। कहानी मस्त है। जो 31st की स्क्रीनिंग है उसमें ग्रुप के सारे मेंबर्स आएंगे? हमारे उस ग्रुप में ज्यादातर आईडी नकली है, पर मजेदार ग्रुप है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आएंगे। सर मैं चाहता हूँ इस स्टोरी लाइन में नमक के बराबर मेंटलिज्म भी घुसा दूं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? हाँ जरूर, इस कहानी में मेंटलिस्ट पहले से है तपस। थैंक यू सर। इन बच्चों को यहां ठहरा कर शायद हमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें कुछ अनुभव हुआ क्या? अ डिस्टर्ब्ड सोल। किसकी? मुझे पता नहीं, पर बहुत पावरफुल है। और उस आत्मा का निशाना है एक लड़की, निरंजना। बट व्हाई? पिछले 2 दिनों से यहां जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। मैं आज ही उन्हें जाने के लिए कह देता हूं। अगर हमने ऐसा किया तो हम हादसा यहां होने से तो रोक लेंगे, बट इट विल हैपन। अगर उस लड़की की मदद करनी है तो हमें इस कहानी के तह तक जाना ही पड़ेगा। थ्री सिक्स फाइव सेवन एट सही है ना? एक और करते हैं। ठीक है। ट्रायंगल। आप ये कैसे कर लेते हैं? देखना जरूरी नहीं होता, सुनना भी देखने जैसा ही पावरफुल है। हर शब्द की अपनी एक आवाज होती है। अब नीरू तुम कोशिश करो, मुझे दो। ओके। आवाज पे ध्यान दो, ठीक है? स्क्वायर। अमेजिंग। तुम तो मेंटलिस्ट बन गए। और कुछ बताइए, बाकी सब कल, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके। तुम्हारी स्कूलिंग दिल्ली में हुई ना? जितनी याद है उतनी तो वहीं पर हुई थी। पेरेंट्स की लव मैरिज हुई थी, पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई पर अब दोनों फैमिलीज खुश है। तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? किसी से प्यार है तुम्हें? ना, ऐसी फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मैं अब्रॉड जाऊंगी और वहाँ पर कंटेम्प्रेरी डांस में PhD करूंगी, फिर यहाँ वापस आकर डांस स्कूल खोल लूंगी। गुड गुड। नीलेश और जोसेफ क्या शैतानी चल रही है? बाहर आ जाओ। अरे आ तो जाओ। धक्का क्यों दिया बेवकूफ? पकड़े गए। बोला था ना उसे पता चल जाएगा। हम इधर, आपको कैसे पता चला? तुम्हारी खुशबू से। पिछले घर में कुत्ता था क्या ये? अरे लेकिन मैं तो कोई परफ्यूम वर्फ्यूम लगाया नहीं हूँ। खुशबू के लिए परफ्यूम की जरूरत नहीं है, सबके पसीने की खुशबू अलग अलग होती है। तुम्हारा परफ्यूम प्लेबॉय है ना? प्लेबॉय आत्महत्या कर लेगा। नीरू तुम इनसे कभी नहीं मिली ना? कभी नहीं। एक फोन तक नहीं की? नहीं, इसीलिए तो यहाँ आने के लिए इतनी एक्साइटेड थी मैं। हम में से कोई एक दूसरे से नहीं मिला। अच्छा आप मुझे एक बात बताएंगे? हाँ बोलो। आपको भूत दिखते हैं क्या? हाँ तुम्हें देख रहा हूँ ना। अरे वो नहीं, आपको गूगल किया था तो मैंने आपकी एक दो साइकिक एक्सपीरियंसेस के बारे में भी पढ़ा। सच्ची में भूत भूत दिखते हैं क्या? आपने उन्हें कैसे देख लिया? वो एक गहरा राज है। स-
सच में क्या? मुझे पता नहीं, राज सुनना चाहते हो? नहीं, फिर भी बोल डाल। सुनाइए। बोलिए ना। एंजेलिना नाम की एक लड़की थी जो मेरे साथ अनाथ आश्रम में पढ़ती थी। उसे मेरा जादू बहुत पसंद था। जब उसकी मौत हुई तो वो 10th में थी। उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उससे कितना प्यार करता था, मेरा पहला प्यार जो था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मैं काफी टाइम तक डिप्रेशन में रहा और उससे फिर से बात करने के लिए मैंने ये मेंटलिज्म और पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू की। तो क्या आप अब भी बात करते हैं उससे? हाँ, दरअसल बच्चे के जन्म के समान ही होती है इंसान की मौत। मौत के बाद आत्मा बच्चे की ही तरह कंफ्यूज्ड और डर में होती है। मैं सिर्फ उनकी मदद करता हूँ, उतना ही। तो यहाँ भी किसी ने मदद मांगी है क्या? आया है, पर मदद मांगने के लिए नहीं है? तुझे पल्ले पड़ा क्या बोला उसने? कुछ भी नहीं। यही तो, दुनिया में 8 अजूबे होते हैं और 8वां अजूबा इसके टकले के अंदर होगा। हाँ? भेजे में गोबर ही बड़ा है, अपने आप को बहुत सारा समझता है। पर ये तो उधर गया। ये काफी है सर? जबरदस्त है, पर अगर इसे फिल्म में यूज करना है तो हम में से किसी को ये कला सीखनी पड़ेगी, वरना सब नकली लगेगा। आपके पास कोई आइडिया है? मुझे पता नहीं। पर आप तो सिर्फ मेंटलिज्म लड़कियों को सिखाते हैं ना? वैसे तुम दोनों भी सीख सकते हो, पर 10 साल लग जाएंगे। इतने साल थोड़ी रुकेंगे यहाँ पे। वही तो। अनु, ये स्लो मोशन छोड़ के फास्ट फॉरवर्ड में आ जाओगी तो शॉट भी पूरा हो जाएगा। ऐसा लगता है कोई देवी खुद चलकर मेरे सामने आ गई। ये सेम डायलॉग मैं मारने वाला था। अच्छा, पर एक बात कहूँ, लगता है तुमने पहले कभी कोई देवी नहीं देखी है ना? सॉरी, तुम्हें बुरा लगा हो तो। इट्स ओके। ओके नहीं है, ये सब इस टकले की चाल है। पहले लड़ेगा, उसके बाद पैचअप, फिर प्रेम करेगा। ज्यादा मत खींच, डाली टूट। तुम लोग इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड्स कैसे बन गए? स्कूल कॉलेज में साथ थे या घर वालों का कोई कनेक्शन? पहले भी तो बताया था कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, समझते नहीं क्या आप? पिछले जन्म में मिले हो तो पता नहीं, पर इस जन्म में तो नहीं मिले। तो अनु, आपको पुनर्जन्म में विश्वास है? बिल्कुल, एक बाहुबली मेरे सपनों में आता है और मुझसे कहता है कि बहुत सपने देखती हो। चलो मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम्हें आसान वाला ट्रिक सिखाता हूँ जिसे जल्दी सीख जाओगे। रक्त मोक्ष वाला। ये वही ना, स्वप्न दोष। रक्त दोषम। ऐसा नहीं है, आयुर्वेदिक का पहला स्टेज है रक्त मोक्ष। बहरहाल चलता हूँ, बाय। अनु ख्याल रखना। ठीक है। मिस्टर जॉन। मेरे हाथ तो कटे, दिल पे छुरी मत चलाओ, ट्राई तो करो। कोशिश करता हूँ। तो टेंशन मत ले, इसके दुकान ठिकाने लगाने के लिए मेरे पास मस्त आइडिया है। वो अपना जादू दिखाने के लिए जादूगरों वाली ट्रिक और सामान इस्तेमाल करता है, हम उसका पर्दाफाश कर डालेंगे। जादूगर को हम जादू दिखाएंगे। दुल्हन पहले कौन सा पैर रखती रहे? ये नहीं, नहीं। लेफ्ट पैर से क्यों जा रहा है? राइट टूटे लेके तेरा। मोटो, दरवाजा बंद कर। ओके। संभाल के, आवाज नहीं आनी चाहिए। ये क्या? ये कच्चा। मैंने कुछ नहीं किया। कौन से ब्रांड का चड्डी पहनता है ये भी पता चल गया। अबे हम लोग ये ढूंढने आए क्या? जाके चेकिंग कर। ये तू अपने पास रख, उसे मत देना। लगता है ये बुद्धिस्ट है, बहुत धर्म फॉलो करता है। ये सब खाली दिखावा है, हर ज्ञानी अपने घर में ऐसी चीजें जरूर रखता है। क्या? मेरे घर में भी है। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। यहाँ भी नहीं है, कहाँ है? ये क्या है? ये सब मेंटलिस्ट के धोखे का सामान है। ये तो खाली खोखा है रे, माँ का सब किताब में भी चीटिंग। ए भाई, ये देख उस ज्ञानी का छिपा हुआ सामान। ये लोग सब ऐसे ही दिमाग खराब करते हैं। खाली किताब की तरह पे ये भी सब खाली है। ये आवाज कैसी? अरे फैन को ऑन क्यों किया तूने पागल? अरे मैंने किधर ऑन किया? आकर बंद कर उसे, पंखे की आवाज से पकड़ जाएंगे। हम लोग आए थे यहाँ पे क्या ढूंढने और चलती हाथ में लग गए। ये तो पहले से ऑफ है। क्या जादू हो रहा है? कैसे हुआ ये सब?
पंखा भी अपने आप चल रहा है, पता नहीं ये निकल गया। चल चल चल, अरे ये दरवाजा क्यों बंद हो गया? ये अरे खोल ना, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। किसने बंद कर दिया? मेरा धम घुट रहा है, धम घुट रहा है मेरा। क्या होगा? इधर के कुछ इधर क्या? दरवाजा खोल गया रे मेरा पैर। क्या हो गया मोटू तेरे को? अरे तू क्यों बेहोश हो रहा है? मुझे उठा रहे हैं, बेहोश बता, बेहोश बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चों की तरह चिल्लाना बंद करो, इतनी भी चोट नहीं लगी है। ये गहरी चोट लगी है, करेक्ट टाइम पे बेहोश हो गया ना, इसलिए बच गया। अरे चुप करे, पता है ये सब इसकी वजह से हुआ है, मुझे इसकी वजह से ही अंदर जाना पड़ा। कौन है? लो आ गया, टकले का स्वप्न दोष हो गया लगता है। देखने आए हम जिंदा है या मर गए? मेरे बंद कमरे में तुम लोगों को जाने की क्या जरूरत थी? वो तो है। सॉरी सर, इन लोगों से गलती हो गई। फैन पे काला जादू खेल है क्या? हम लोग मरते मरते बच गए। आपने कोई सिक्योरिटी सिस्टम लगाया था सर? अपने पंखे में सिक्योरिटी सिस्टम कौन लगाता है? हाँ। अगर वो मुझे मार देता तो? हाँ। यहाँ के एक मेडिकल कॉलेज में एक छोटे से पंखे ने एक आदमी के शरीर के दो टुकड़े कर दिए थे। बाप रे, उसके बाद उसका क्या हुआ? दोनों टुकड़े जिंदा और साथ में मजे कर रहे हैं। इट्स आवर मिस्टेक सर, गलती के लिए माफ कर देना। जाने दो, कोई बात नहीं। सॉरी बोलने से क्षत्रिय माफ नहीं करता। पाव तोड़ा है तूने, तेरा पाव तोड़ूंगा, याद रखना बच्चों। ये तो किसी पिक्चर का डायलॉग है। अबे डायलॉग ही तो है ना यार, मैं तो ककड़ी भी नहीं तोड़ सकता। अनु जरा मेरे पीठ पे मसाज करते, बहुत दर्द हो रहा है। खुद ही काम क्यों मार के गई? अरे अनु, अरे पीठ की नहीं, सर की मसाज करनी थी। Got it. Okay, ना? Shot ठीक हुआ ना? Superb shot. हमारी film interval के 50% scene complete हो गए हैं। सच में? तो एक काम करते हैं ना, interval में ही the end डाल देते हैं और picture खत्म करके जाते हैं। अबे चल। अरे भाई, दुनिया से हटके करते हैं। तब तक celebration बनता ही है, है ना? हाँ, celebration के लिए कुछ है मेरे पास। अरे दारू-वारू है क्या? अब से हम double speed में shoot करेंगे। Improvise करते रहेंगे तो अच्छी film बनेगी। हाँ तो सारे सीन मेरे लिखना, मैं तो हर सीन में improvise करता हूँ। जय दारू की। इसे कहाँ छिपा के रखा था तूने? ध्यान से पीना, ये अनोखी दारू है, अलग अलग इंसानों को अलग तरह से चढ़ती है। अरे ऐसा बोल के मुझे डरा मत मेरे भाई। अरे ओ, गला जला दिया इसने, ये जरूर भूतों की दारू है। बाली में इसे भूत भगाने के लिए भी पीते हैं। अरे भाई यार टेस्ट है भाई। फिर भी पी तो रहा है। अगर आत्मा सिर्फ उस लड़की के पीछे पड़ी है तो दोनों लड़कों के साथ कमरे में हादसा क्यों हुआ? I was wrong. वो आत्मा उन सब के पीछे पड़ी है। पर ये लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। इसीलिए तो ये केस इतना पेचीदा हो गया है। डाउनलोड हुआ कि नहीं? शाहरुख खान का नया पिक्चर अभी डाउनलोड हो जाएगा। लैपटॉप पे नहीं, मैं तो थिएटर में देखूंगी। अच्छा, शाहरुख तुम्हारे अकेले के पैसे पर जिंदा नहीं है? हाँ वही तो, तू अकेली शाहरुख की फैन नहीं है, अपन डाउनलोड करके पिक्चर देखता है, और ऐसा करने से उसको क्या फर्क पड़ेगा? सब लोग डाउनलोड किया तो लोचा है। अब मैं अभी आती हूँ। मैं भी चलूँ क्या? अकेली पड़ जाओगी? नहीं नहीं प्लीज। अरे जाइए अकेली। ए जल्दी भारा, मैं अकेले नहीं पी सकता। अरे जल्दी कर, मैं अकेले नहीं पी सकता, तेरे को बोला ना। भाई तपस बाहर आना, ये ओलंपिक थोड़ी है, अब तो मेरा पिक्चर भी डाउनलोड होने को है। तपस भाई, अरे मजाक बंद कर यार भारा। अरे भारा ना। अरे तपस बाहर आना। अरे देख रहा है यार, तपस को कुछ हो गया है।
तो जाना डुबकी लगा, बचा उसको। तेरी आदि से तुझे बोल रहा हूँ ना। अरे यार, अरे कोई बचा, कोई है, कोई आओ, जल्दी जल्दी राजा ने अंकल डूब रहा है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे धीरे राजा कर देखो, अरे यहां पे चप्पल डूब रहा है, अरे 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 जल्दी जल्दी, अरे क्या हुआ, अरे जल्दी कोई मदद करो, जल्दी जल्दी समझ जल्दी जल्दी, अरे आउट आ गया है, वो अंदर होगा और डीप होगा, धीरे धीरे तपस, अरे यार तपस, मालिश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कितनी बार मारा सांस ले, पैर कुछ नहीं होगा, सांस ले, आराम से तपस, शुक्र है तुमने डरा दिया भाई, अरे भाई तू तो आराम से बैठ, अरे हवा ने क्या हुआ, क्या हुआ इसे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, उसके सीने पे जोर मत डालो, क्या हुआ इसे, हॉस्पिटल लेकर जाओ जल्दी, ठीक है, उठा उठा आराम से, आराम से आराम से, चल चल चल, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, इस कुत्ती को तो सुलझाना ही पड़ेगा, तुम जो कोई भी हो, भूत प्रेत पिशाच जो भी, तुम्हारा संहार मैं करके ही रहूंगा, तैयार हो जाओ मेरा सामना करने के लिए। नीलेश आनंद चोपड़ा, जोसेफ डिकोस्टा, अनु कुमारी, नीरंजना, तपस माथुर, शराब पीकर जो तालाब में डूब कर मरने वाला था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, ये सब मेरी गलती से हुआ, और हमने तो कंप्लेन भी नहीं करवाई। ओहो, और मर गया होता तो हमारा काम बढ़ जाता, हॉस्पिटल में अगर कोई एक्सीडेंट का केस आता है तो इंक्वायरी करना पुलिस का काम है। जी सर। तुम जैसे लापरवाह नौजवान ही इस देश के नाम पर धब्बा हैं, कलंक है देश का। ऐसा मत बोलिए सर, पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो हम जवान लोग ही थे जो 24 घंटे सबकी मदद कर रहे थे। चुप कर, शूटिंग के नाम पर नौजवान लड़के लड़कियां इस बंगले में आकर जवानी के भरपूर मजे मार रहे हो, ये क्या अय्याशी करने के लिए होटल है? आपने मुझे बुलाया सर? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आप इस होटल में रुके हैं, हॉस्पिटल तो शहर में भी है। ट्रीटमेंट की अगली स्टेज में हॉस्पिटल जाऊंगा सर। आपको पहले कहीं देखा है? नहीं, चांस ही नहीं। ये बहुत बड़े मेंटलिस्ट है सर। काहे का मेंटलिस्ट, सब चूना लगाने के धंधे हैं इनके। सर हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए, वेनू डॉक्टर आते ही होंगे। हाँ तो वो आकर मुझे थप्पड़ मारेंगे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ यहाँ क्या काले धंधे हो रहे हैं, अब लोगों को रहने के लिए भी ये जगह देने लगे। ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या कुछ नहीं है, अब इंक्वायरी करने दो। आप रुकिए, फिल्म बनाने के अलावा और क्या काम करता है तू? मैं इंजीनियर हूँ सर, हैदराबाद में काम करता हूँ। ओहो, मेरा होटल बिजनेस है सर। तेरे से पूछा किसी ने? पर आप पूछेंगे तो सही ना, इसलिए जवाब दिया। शूटिंग के अलावा आप क्या करती हैं? सुनाई नहीं देता क्या? नर्स हूँ। कहाँ पर? कानपुर। है? कानपुर में किधर? मेडिकल सेंटर। ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में भी कानपुर है क्या? क्या ऑस्ट्रेलिया? हाँ, इसने हमसे कहा था। क्या कहा था? क्या क्या कहा था? यही कहा था कि ये... बोल, मुंह में दही जमा रखा है। बीवी मायके जाने के बाद आपका काम में मन नहीं लगता ना? क्या कहा? जब से हॉस्पिटल की स्ट्राइक में आपने टांग अड़ा है, सजा के तौर पर आपका तबादला हो चुका है ना? आपके वॉशरूम में मिरर के ऊपर जो बल्ब लगा है उसे बदलवा लो। बाल ढूंढने को कहते हैं क्या मेंटलिज्म? इन बच्चों ने कुछ नहीं किया सर, यह हादसा इत्तेफाक था,
जाने दीजिए प्लीज। हाथ निकाल बे। आपकी गर्दन पर लेडी कांस्टेबल का जो काजल लगा है पोछ लो, नहीं तो चप्पल का हार पहनाएंगे। बाल ढूंढना भी मेंटलिज्म है। जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे तो उन्हें दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। छोड़ दो इन्हें। ठीक है मैं समझ गया। ये साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना एक्शन लेता तुम सब पे। लेकिन अगर आगे चलकर ऐसी कोई भी गलत हरकत की तुम लोगों ने तो यहाँ ताला लगवा दूंगा। सुना तुमने? जी सर। चलो ठीक है साहब। ओके। तू हमको बेवकूफ समझती क्या अनु? आखिर हम लोगों से तूने झूठ क्यों बोला है? जवाब क्यों नहीं देती? बहुत होगी ये शूटिंग वूटिंग, जब से आए बैंड बज गई है हमारी। अब इसे देखो, दिमाग खराब कर दिया इसने। मुझे भी, ये घर वो टकला सब मिलके हम लोगों को चूना लगा रहे हैं और ये लड़की 100% उसकी भागीदार है। पता नहीं तुमने देखा कि नहीं, लेकिन जब तू डूब रहा था तब ये लड़की उधर थी नहीं। अनु तो बस कैमरा लेने गई थी। अरे कैमरा लो, कैमरा का दुकान लो, मेरे को पिक्चर नहीं करना है। अपन आज ही इधर से खल्टी मारने वाला है। भाई मेरे, मेरा कैरेक्टर मर गया है, फोटो पे हार चढ़ा देना भाई प्लीज। एक तो ऑस्ट्रेलिया, ऊपर से डिवोर्स, पासपोर्ट भी है क्या? ये सिर्फ मजाक करी थी। ओके, ये मजाक है? मजाक था तो आप सच क्यों नहीं बताती? अभी भी चुप है? अगर वीजा मिल जाता तो मैं मेलबर्न जाने ही वाली थी, सच कह रही हूँ। ऐसा काय को बोली कि तू डिवोर्सी है? मुझे यहाँ आकर अजनबी लोगों के साथ रुकना था, तो मैंने सोचा कि अगर डिवोर्स की बात करूंगी तो मैं सेफ रहूंगी। अबे येडी, डिवोर्स बोल के तू सेफ हो जाएगी, ऐसा तेरे को कौन बोला? उल्टा डिवोर्स ही सुन के लोग तेरे में इंटरेस्ट दिखाएंगे, बोलेंगे वैकेंसी खाली है। अबे सुन, चलो तुम अपना आईडी दिखाओ, मुझे किस पे भरोसा नहीं। चुप करो तुम लोग। 5 साल सर खपाने के बाद ये शॉर्ट फिल्म बन रही है। अगर मेरे पास 5 साल और भी होते तो मैं और सर खपाने को तैयार हूँ, पर 5 साल बाद पता नहीं हम लोग कहां होंगे। हम इतनी दूर आ चुके हैं, अगले 2-3 दिन और शूटिंग कर ली तो फिल्म खत्म हो जाएगी। पोस्ट प्रोडक्शन और न्यू ईयर पे स्क्रीनिंग, ये सब बाद में देखा जाएगा। क्या हम 2 दिन और नहीं रुक सकते प्लीज? मैं तो तैयार हूं। हमारे उस ग्रुप में ज्यादातर आईडी नकली है, पर मजेदार ग्रुप है। बॉस्को जी, बिजली के बिल के पैसे क्या मैं किसी तरह जमींदार को वापस कर सकता हूँ? अब ये पैसे कम है ज्यादा है मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे डर इस बात का है कि कहीं मेरे बुरे कर्म किसी और की सजा का कारण न बन जाए। जमींदार के अलावा किसी और ने इस घर में आत्महत्या नहीं की है ना? सच बताइए अंकल। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अब इन पैसों का क्या करूं? इसे मैं मंदिर की दान पेटी में डाल दूं क्या? ये पैसे गरीबों में बांट देना, इससे मैं जमींदार के प्रकोप से बच जाऊंगा ना। दवाई ले आओगे अंकल? ओहो, मैं बस अभी लाता हूं। वो सब इंस्पेक्टर नया नया इसी इलाके में आया है, नया खून है, देखा जाए तो उसका कसूर नहीं है, वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। मैंने एसपी साहब से भी यही कहा है। पुलिस टिकट लगाकर लोगों को लाने के खिलाफ थी, उन्हें लगा इससे काफी मुसीबतें आ सकती हैं, पर बाद में वो मान गए और हमारी मेंटेनेंस भी आराम से निकलने लगी। किस सोच में पड़ गए हो तुम? सर इन सब के बीच में एक कॉमन फैक्टर है। क्या है वो? ऐसे मामलों में एक जरूरी कड़ी होती है जो आंखों के सामने होकर भी हमें नजर नहीं आता।
खुल के तो बताओ। ये सब एक साथ जुड़े और इन्होंने अपनी दोस्ती बढ़ाई एक ऑनलाइन ग्रुप के जरिए। हाँ हाँ, तो उससे क्या? वही तो कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? उनके पीछे जो अदृश्य शक्ति है शायद उसी ग्रुप से आई। फिल्मी दीवाने ग्रुप। हेलो मीरा। जॉन कहाँ गायब हो गए थे तुम? बस बिजी हो क्या? हाँ थोड़ी सी। कोई बात नहीं, एक छोटी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ बताओ। मुझे एक ऑनलाइन ग्रुप की डिटेल्स मिल सकती है जल्द से जल्द? साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम है ना, इसमें आपका क्या काम है? मीरा मामला सीरियस है। ओके। सवाल मैं ईमेल कर दूंगा, मुझे कब तक सारी इन्फॉर्मेशन दे पाओगे तुम? टुमारो, शायद कल तक, इज दैट ओके? ओके चलेगा। ओके ये ठीक है। कहाँ गई ये? लाइट जा रही है। नीरू। हाँ? अन्नू किधर है? डिवोर्सी कुमारी, उसको बहुत बार बुलाया मैंने पर आई नहीं रही। कान के नीचे बजाऊंगा ना इसके। उसका शक्ल देखते ही मेरा दिमाग का दही हो जाता है। 31 की स्क्रीनिंग के लिए हॉल भी बुक कर लिया है, हमारे ग्रुप के कई लोग देखने भी आ रहे हैं। शूट करने के बाद एडिटिंग भी तो पूरी करनी है, प्रोडक्शन भी तो करना है, कैसे होगा ये सब यार? तपस भाई, यहाँ सवाल सही और गलत के बीच में चुनने का नहीं है, सवाल है सही और सही के बीच चुनने का। वो कैसे? तुम सोचते रहो, तब तक मैं उसे खींच कर मतलब यहाँ लेकर आता हूँ। हाँ मैं भी चलता हूँ। क्या प्रॉब्लम है तेरी? आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शॉट के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना था मुझे। हाँ सही बोल, झांसी की रानी बनेगा तो मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। चुप रहना, उसको भी गुस्सा आएगा तो शूटिंग अटक जाएगी रे। तपस भाई, अन्नू मेरी बात सुनो, हम लोगों की जिंदगी बहुत छोटी है और हम लोग बहुत ही छोटे समय के लिए एक साथ हैं, तो इतने बड़े सॉरी हैं तो इतने बड़े ईगो प्रॉब्लम का क्या फायदा है बताइए? अरे नीरू गाय को रो रही है, चुप रहना। ये बात सच है ना? तो चलिए सब कुछ भूल जाइए और हाथ मिलाइए, चलिए चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी हाथ मिलाओ अनु, तुम पहले हाथ मिलाओ, चलो। अब आप लोग खुश है ना, हम भी खुश। आज हम सब लोग केक खाएंगे, अनु बहुत अच्छे केक बनाती है। अच्छा जॉन, तुमने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो आ गई है, अभी तुम फ्री हो क्या? हाँ हाँ बोलो। अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। सतीश, अगले आधे घंटे तक कोई कॉल नहीं आनी चाहिए, थैंक यू। हाँ जॉन, मिल गई। इस ग्रुप में मुझे 1,46,000 मेंबर्स दिख रहे हैं। 86,565 एक्टिव मेंबर्स हैं। इनमें से कई तो डुप्लीकेट यानी नकली आईडीज होंगी। साइबर लॉ के हिसाब से इनमें से 856 लोगों के खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं। इतने लोगों के खिलाफ? आजकल तो छोटी बात पर भी केस बन जाते हैं, अगर किसी ने गलत कमेंट किया या फिर कोई भड़काने वाली पोस्ट डाल दी हो, इनमें से ज्यादातर केस ऐसे ही हैं। मेरा इन 856 में से कितने लोगों को सजा मिली? चेक करके बताती हूँ, एक मिनट। 78 मेंबर्स, उनकी एक लिस्ट भेजिए तुम्हें। मीरा, इन 78 मेंबर्स में से अब कितने लोग जिंदा नहीं बचे? उसके लिए तो हमें उनके लोकल थाने में बात करनी होगी। मेरे पास यहाँ सिर्फ लास्ट लॉगिन तक की डिटेल्स है जॉन। ओके थैंक यू मीरा। जॉन एक मिनट। यस। मुझे कुछ मिला है। व्हाट? जब हमने केस रजिस्टर किया तो हमने सभी 78 आईडीज डीएक्टिवेट कर दी थी। तो? पर इसमें एक आईडी अभी भी एक्टिव है, पर मैं उसकी आईपी को ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। कौन सी आईडी? डीएक्टिवेट होने से पहले आखिरी बार कहां से लॉगिन हुई थी बताओ? वो मैं पता लगा लूंगी, मैं तुम्हें उसका फेसबुक प्रोफाइल शेयर कर रही हूँ। ओके ओके। अब धीरे धीरे गुत्थी सुलझेगी।
मी फ्लावर। चलने लगी। मतलब मैं फ्लावर की आईडी से ही हम इस परेशान आत्मा का पता लगा पाएंगे। देखो हम लोग जाके ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही घर बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया नहीं तो कानपुर। करेक्ट। कैसा था शॉट? मैंने नेचुरल किया ना, मस्त किया ना बोल। हाँ ठीक है, कोई खास नहीं। आपको कैसे पता कि उस ऑफिसर का डिवोर्स हुआ था और वो होटल में रहता है? उसकी उंगली में वेडिंग रिंग का निशान साफ दिखाई दे रहा था और होटल रूम की चाबी उसकी जेब से दिख रही थी। बेचारा डिवोर्स के बाद फ्रस्ट्रेट हो गया होगा। और उसकी ट्रांसफर के बारे में कैसे पता चला? गूगल, गूगल सर्च मारा। हर चीज मेंटलिज्म से पता नहीं चलती है। देखा, मैंने कहा था मैंने। हाँ। थैंक यू। अगर आप वहाँ नहीं होते तो पुलिस मुझे बहुत परेशान। चलो अभी हम लोग कैमरा शूट करें। चलो चलो कैमरा लाइट रेडी करो। चलो चलो। अरे चलो। अरे माँ कसम, सबका एक साथ कैसे बजा? माय स्टोरी इज नॉट फिनिश्ड मेफ्लावर। अब ये क्या है? मुझे भी वही मैसेज आया है। ये मेफ्लावर है क्या? मे में उगने वाला कोई फ्लावर है क्या? ये तो कोई प्राइवेट नंबर से आया है, कोई तो प्रॉब्लम है। अरे जाने दो, कोई जंक मैसेज होगा। चलो ना शूट करते हैं यार। गोगो जाके कैमरा लेकर आ, चला दे नीलेश। अरे कैमरा छुआ तो फिल्म का सत्यानाश हो जाएगा। और भाई कैसे हो? काम धाम बढ़िया चल रहा है ना? जी सुनो ना। हाँ। मैं तो वहां तुम्हारी नौकरी पक्का करवा के ही छोड़ूंगा। हेलो हेलो। हाँ दादी। हेलो। ओ चार्जिंग ही खत्म हो गई। दादी माँ पासी के मंदिर में दर्शन के लिए आई हैं, तो मैंने सोचा नीरू को भी अपने साथ ले लूं। अब अगर दादी माँ को फोन नहीं किया तो उन्हें टेंशन हो जाएगी। हाँ। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात कर लो। अरे तुम्हारे पास फोन भी है? चलो अच्छी बात है। वैसे नीरू कहाँ है? शूटिंग चल रही है, नहाने का सीन है। क्या? तालाब के पास। वो तालाब के पास है? हाँ? नहाने का सीन। हे भगवान। पता नहीं अब वो किस हाल में होगा, अब कभी मिलेगा भी या नहीं, कौन जाने कहाँ गया होगा। हम लोग उस भूत को नहीं देख पाएंगे। I'm gonna miss him. अरे नाना ऐसा मत बोल। अबे छोड़ उसे। अरे यार क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? बीच में क्यों घुस रहे हैं आप? शूटिंग चल रही है। शॉर्ट फिल्म की शूटिंग हो रही है यहाँ पे। अब ये कोई शूटिंग नहीं करेगी। हा? दादी माँ पास के मंदिर में है, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? यहाँ आइए, मैंने आपको बताया था ना। हा? कि अगर मैं आई तो शूटिंग पूरी नहीं होगी। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चलो गाड़ी में। एक दिन की तो बात है, वहाँ दादी माँ अकेली है, ये भी नहीं कर सकती तुम। नहीं आई तो क्या करोगे? मैं तो बस पूछ रहा हूँ। अगर नहीं आई तो क्या करोगे? फिर तुम ही अपनी दादी माँ को बता दो, मुझे तुम दोनों के बीच में पिसने की ख्वाहिश नहीं है। पहले तो ये मेरी बातें सुनती थी, पता नहीं क्या हो गया। या जाओ, मैं बताता हूँ। इसको तो उठा के तालाब में फेंक दूंगा। उसे साइकोसिस हो गया। ये सब लोग यहाँ आ जाओ। एक मिनट। क्या हो गया? क्या हुआ? ये मैसेज क्या बात है नीरू? चल बता नीरू, हुआ क्या है? मेफ्लावर का मैसेज इससे आया था। क्या हुआ, तुम सब लोग यहाँ, कोई खास बात? ये नॉवल की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस नॉवल में एक बाप और बेटे के बीच की बातचीत है जो अभी पैदा होने वाला है। तपस को अच्छी लगी। इसका क्या मतलब है? हम सबको ये अजीब सा मैसेज आया है, ये तुम्हारे फोन से भेजा गया है। ये आपने भेजा है? यस। बताइए मे फ्लावर का नाम तुम लोगों ने कहीं सुना है? मुझे तो खाली चमेली फ्लावर पता है। मे फ्लावर है क्या? तुम्हारे ग्रुप का एक मेंबर था मे फ्लावर। तुम सबका उसके साथ कोई कनेक्शन है या नहीं यही देखने के लिए मैंने मैसेज भेजा था। जिसने भी ये आईडी बनाई थी
वो अब जिंदा नहीं है और उसी की आत्मा यहां मुसीबत बन के खड़ी है। जैसे तुम लोग यहां आने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह जानते नहीं थे, उसी तरह ये आत्मा भी तुम लोगों को यहां आने के बाद ही देखी। इनफैक्ट वो तुम्हारे आने के इंतजार में थी और उसका निशाना तुम सबके सब। इंटरनेट पे भूत, वो भी हमारे ग्रुप में, हमारा पीछा करके हम सबको मारना चाहता है। ऐसी हॉरर स्टोरी तो बच्चे भी नहीं बनाएंगे। तपस की कहानी भी ऐसे ही कुछ है ना, जिंदगी कल्पना से भी ज्यादा विचित्र है। कुछ कहानियां हमें कल्पना से भी परे दूसरी दुनिया में ले जाती है। अब मुझे नहीं पता कि मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं। भूत है, भूत है, भूत है, भूत है, किसे कुछ आता है? बिना शरीर का साया, ये मे फ्लावर ही है और कोई नहीं हो सकता। यहाँ भी आ गया मेरे बाप रे। अरे भाग रहे, अरे भाग रहे। बोलो मीरा। मैंने कुछ डिटेल्स निकाली हैं। पास वाले गांव से मेफ्लावर लॉगिन करता था। मैं तुम्हें मेफ्लावर का एड्रेस भेज रही हूँ, ओके? थैंक यू मीरा। एक बार पूजा हो जाएगी तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। देवी माँ गुस्से में है, इसीलिए तो इतना अनिष्ट हो रहा है, वरना आज से पहले कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा सर जी, इसका निवारण करना। जॉन सर अपने कमरे में नहीं है। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। और ये ऐसा जला हुआ क्यों है? मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करना देवी। टेन बी सर, आप कोई न्यूज चैनल से है क्या? क्यों? न्यूज वालों ने इतनी बदनामी फैलाई है कि इस फ्लैट में कोई नहीं रहना चाहता। पता है बैंक मैनेजर को जेल होने के बाद इस फ्लैट का भाड़ा भी कम हो गया है। बताओ क्या करें? मैं मीडिया से नहीं हूँ, मैं तो 10B का ऑनलाइन एड देकर फ्लैट को रेंट पर लेने आया हूँ। 10B को? हाँ। मतलब दीपा मैडम गाँव में रहने जा रही है क्या? पता नहीं क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब ये बात मैं नहीं बताऊंगा तो कोई और बता देगा, इसलिए मैं ही कह देता हूँ। बैंक में कोई फ्रॉड हुआ था और उसी के चक्कर में सजा के तौर पर उनके पति को जेल जाना पड़ा, और इस गहरे सदमे की वजह से उनके इकलौते मासूम बेटे ने 6 महीने पहले आत्महत्या कर ली। ओह नो। हाँ साहब, वो बहुत ही अजीब किस्म का लड़का था, किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई दोस्त था। उस फ्लैट के बाहर तो कभी भी पैर नहीं रखता था। अगर आपको फ्लैट भाड़े पर चाहिए तो मैं कहीं और फ्लैट दिखा देता हूँ, थोड़ा सा गुडविल मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ गुडविल दूंगा, पहले फ्लैट तो देख लूं। सुबह से अब तक कोई बाहर ही नहीं निकला। क्या? घबराओ मत बच्चों, दरवाजा खोलो। कहिए।
बच्चों हा? कल से जो पूजा शुरू हो रही है उससे सभी समस्या का समाधान होगा। अरे समस्या का कोई समाधान नहीं चाहिए, शूटिंग नहीं करनी है आज तो, क्या लाइफ में कभी शूटिंग नहीं करूंगा। यहाँ से जाने के बाद ही हमारे दिल को चैन मिलेगा। जॉन सर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मुझे तो बड़ा डर। अरे सुनो, किसी की लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई ना उनसे? लड़ाई वड़ाई के अलावा बहुत कुछ हुआ है, मुझे गुस्सा मत दिला वरना मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे जा रहे हो। मैं तो मन में मंत्र पढ़ रहा था इसीलिए हम लोग बच गए। अरे किस अंधे ने ये बीच में रख दी। अरे हुआ क्या ये कुर्सी? कुर्सी से भी डरोगे क्या? मोटे गाड़ी तूने मंगवाई क्या? नहीं, तुम्हारे पप्पा को फोन करके मंगवाई है। अरे कहाँ थे आप? आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं एक बंदे की तलाश में गया था। मेफ्लावर मानव मैथ्यू है। मैं मानव के घर से ही आ रहा हूं। तुम लोग यहां से चले जाओगे तो भी ये मुसीबत पीछा नहीं छोड़ने वाली। उसने तुम्हें देख लिया है और वो पीछे जरूर आएगी, क्योंकि वो तुम सबके जरिए ही अपनी जिंदगी के सवालों के जवाब ढूंढना चाहता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में बैंक मैनेजर गिरफ्तार। मैनेजर के बेटे मानव ने आत्महत्या की। मानव के पापा मैथ्यू इमैनुअल वीटीआई बैंक के आईटी डिपार्टमेंट में थे। उसी बैंक के क्रेडिट कार्ड फ्रॉड केस में मैथ्यू जेल के अंदर है। अपने बेटे की वजह से आज भी जेल में है। इमैनुअल के लैपटॉप से डेटा चोरी हो गया था। इमैनुअल के अलावा उस लैपटॉप को मानव ही यूज करता था। इमैनुअल के जेल जाने के बाद मानव उससे मिलने ही नहीं गया, बस अपने रूम में बैठा रहता आखिरी वक्त तक। मानव की गलती की वजह से उसके पापा को सजा हुई। इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और आत्महत्या कर लिया। पर हमारे ऑनलाइन ग्रुप से उसका क्या कनेक्शन है? जब पायरेसी का केस आया तो हमने उसकी इंटरनेट हिस्ट्री चेक की थी। वो स्कूल भी बहुत कम जाता था। अपने काम की वजह से हम उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे पाए। वो नई नई फिल्में थिएटर में बैठ के मोबाइल पे शूट करता था, उसके बाद तुम्हारे ग्रुप में वीडियो अपलोड करता था। यही उसने बड़ी गलती कर दी। ग्रुप के सारे दोस्त उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे, जो उसे स्कूल या अपने दोस्तों से कभी नहीं मिली। शुरुआत में यह सब मजाक ही था, पर पैसा कमाने की तरकीब आपके ग्रुप में से उसे किसी ने गहराई से समझाया, यानी उसका गलत इस्तेमाल किया। वो कौन है, क्या करता है, उसे नहीं पता था, और उसकी उम्र में तो किसी धोखेबाज को पहचानना मुश्किल होता ना। धीरे धीरे वो फिल्म पायरेसी खतरनाक साइबर क्राइम में बदल गई, जैसे कि ये क्रेडिट कार्ड वाला फ्रॉड। उस दलदल के भंवर में वो इस कदर फंसा कि उसके खुद के पापा भी फंस गए। बेटे को बचाने की खातिर उन्होंने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। हमें लगा अगर वो इस केस में फंस गया तो उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसे केस से अलग कर दिया। पर अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मानव के दिमाग से करोड़ों कमाने वाला बंदा फरार हो गया। मानव को उसी की तलाश है, उस मुजरिम की जिसने उसकी खुशियां और हस्ती जिंदगी छीन ली। अगर तुम ध्यान दो तो तुम पर जब भी उसने हमला किया उसकी वजह कोई ना कोई इंटरनेट फ्रॉड ही था, या तुम्हारी तरफ से की गई कोई गलती। उसे लगा कि क्रिमिनल आप ही हो। ओए, डाउनलोड हो गया क्या? शाहरुख खान का नया पिक्चर अब भी डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ना जमींदार भूत के नाम से फेसबुक पर एक नकली आईडी बनाई है डॉल की फोटो के साथ, बस ऐसे सबको डराने के लिए। उसकी आत्मा अलग अलग तरकीब इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कोई डॉल, पंखा या ऐसी ही कोई भी चीज। अहम मुद्दा यह है कि वो हमसे कुछ कहना चाहता है। 31st को तुम लोग जो फिल्म स्क्रीनिंग करने वाले हो, अगर उस मुजरिम को उस दिन बुला सको तो मानव की बहुत मदद हो जाएगी। पर उसके लिए तुम्हें यह फिल्म पूरी करनी होगी। बोलो, करनी है उसकी मदद?
नहीं सर, मैं जानबूझकर इन सब की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैंने ये सपना ही छोड़ दिया है। ये फिल्म पूरी करेंगे, हम तेरे साथ हैं भाई, पिक्चर पूरी करेंगे। सिर्फ तपस के लिए नहीं, मानव के लिए भी। थैंक यू। पर तुम्हारी इस कहानी में 31st की स्क्रीनिंग के लिए कुछ और भी बदलाव करने होंगे। क्या मतलब, कैसे बदलाव? बताऊंगा, सोचने दो मुझे। अगर उसने ग्रुप में ऐसे खतरनाक फ्रॉड किए हैं तो क्या वो स्क्रीनिंग के लिए आएगा? और हम उसे पहचानेंगे कैसे? आज 27, स्क्रीनिंग 31 को, मतलब सिर्फ 4 दिन बाकी है, कैसे करेंगे भाई? मुझे उसे ढूंढना होगा और वहां बुलाना होगा, क्योंकि मैंने मानव की मां को वचन दिया है। तुम लोग ये फिल्म पूरी करो, सिर्फ लास्ट में विलन का नाम मत बोलना। बच्चों के बारे में सोचकर परेशान हो जाता हूं। कमरे के अंदर घुसकर इस तरह का उपद्रव किसने मचाया? तेज हवा के कारण हुआ होगा। अंकल सुनिए, कोई इशारा है, वो यही है। यही है वो। इस जोकर की फेक आईडी के पीछे छुपा हुआ है वो खतरनाक मुजरिम। अगर हम इस जोकर को पकड़ लें तो मानव के पापा को जेल से छुड़ा पाएंगे और उनके जैसे बहुत सारे लोगों को भी। यार मैंने तो कभी ध्यान भी नहीं दिया कि ये हमारे ग्रुप में है। जोकर के असली डिटेल्स जानने के लिए साइबर सेल वाले मदद करेंगे ना? नो चांस। पिछले 1 महीने के अंदर इसने 7 नकली IP के साथ लॉग इन किया है, वो भी VPN के थ्रू। कभी कभी तो ये 24 घंटे भी ऑनलाइन रहता है। ये कैसे हो सकता है? ये खेल वो चालाकी से खेल रहा है। अगर ऐसे मुजरिम को हमें फिल्म स्क्रीनिंग पर बुलाना है
तो हमें दो कदम आगे रहना होगा। और कैसे? ये जोकर जैसे फ्रॉड लोग यारों दोस्तों से मिलने तो आएंगे नहीं सर। अगर हम सामने से कांटेक्ट करेंगे तो उसे शक होगा, विश्वास नहीं करेगा। वो हमें कांटेक्ट करे उसके लिए क्या करें? मेरे पास एक प्लान है। जिस किसी को भी फ्री अनलिमिटेड डेटा चाहिए अपने अपने नंबर पोस्ट कीजिए। सर आप हमारे ग्रुप के मेंबर कब बने? कल रात को। ये आईडी आपका है क्या शेरलॉक? एक नंबर। पर ऐसे मैसेजेस तो आते रहते हैं, जोकर कैसे फंसेगा? मोबाइल नंबर देने से आप फ्री डेटा कैसे दे पाओगे? वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, वो मदद करेंगे। आपको लगता है जोकर इस जाल में फंसेगा? वो इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि अपना मोबाइल नंबर दे दे। कैसे काम करेगा? मैंने सबसे पावरफुल सर्विस में से एक को हैक करने का दावा किया है, जिसके अंदर है मल्टी लेवल सिक्योरिटी और इतने तेज दिमाग की जोकर को जरूरत पड़ेगी। काफी लोगों ने नंबर्स दिए हैं, सबको फ्री डेटा मिलेगा क्या? सबको फ्री मिलेगा। जोकर जो नहीं कर सकता, जब हम वो कर दिखाएंगे तब वो हमें कॉल करेगा। लोग कमेंट कर रहे हैं। या लेट्स वेट। क्या हम बात कर सकते हैं? Yes. तुमने जियो नेटवर्क को कैसे क्रैक किया? अपने काम पे ध्यान दो। ये टाइपिंग करने में इतना टाइम काय को ले रहा है? मतलब तुम नकली हो? एक छोटा सा नमूना। ये टकला क्या टाइप कर रहा है? सुपर्ब। क्या हम साथ काम कर सकते हैं? चलो डिस्कस करते हैं। कब, कहां? इसी ग्रुप के गेट टुगेदर में। आ सकते हो तो आ जाओ। वो स्क्रीनिंग के लिए आएगा? मिलने की इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। भीड़ भरे थिएटर में दो लोगों की मीटिंग। हाँ हाँ सही बात है, वो रिप्लाई आया। तुम पर भरोसा कैसे करूं?
बेहतर है रहने दो। देखा भाग गया, मैंने पहले ही कहा था ये बकवास प्लान नहीं चलने वाला। जल्दबाजी में फिल्म की शूट पूरी कर ली, पोस्ट प्रोडक्शन भी पूरा कर लिया, और सब बेकार हो गया। लुको, वो रिप्लाई करेगा। मैं आ रहा हूं। देखा, मैंने बोला था ना ये आइडिया जरूर काम करेगा। तो फिर मिलते हैं। मिस्टर जोकर, तूने अपना खेल खेल लिया, अब हम तेरे साथ खेलेंगे। सी यू ऑन 31st। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर भाई। तू देख क्या बोल रहा है? हाँ सच में मजा है। अच्छा बस तू वापस कब जा रहा है? क्या? अरे वापस कब जा रहा है? बस हम पाँच हैं। हाँ हाँ समझ गए, देखता हूँ। हेलो, हाय, आईडी क्या? कैप्टन अमेरिका। बढ़िया। स्पाइडर मेहरा, खिलाड़ी 421। अच्छा, और आपका नाम? कतरीना सैफ। तुम्हें यकीन है वो पक्का यहाँ आएगा? वो आएगा। डीजीपी सर को बहुत उम्मीद है। ये सिर्फ मानव के केस की बात नहीं है, अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो सारे केस सॉल्व। ये शर्लॉक नाम का बंदा कौन है भाई, जिसने हमें फ्री डेटा दिया? जो भी है अच्छा ही है। रूही चावला। हेलो, मायसेल्फ राधे। मैं आ गया। वो आ गया। गुड, ये एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे जल्दी से थिएटर के अंदर ले जाना होगा। ओके। गाइस प्लीज सुनिए, शो का टाइम हो गया है, आप सभी प्लीज अंदर चलिए, हमने 2 घंटे के लिए हॉल बुक किया हुआ है, बाकी की बातें तो हम शो के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है? शो के बाद मिलते हैं। Excited. ये देखना। मे फ्लावर एजे हॉल में। नेटवर्क गुल हो गया रे।
अटेंशन एवरीबॉडी, प्लीज ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं पता कि आप जो देखने वाले हैं वो अच्छा है या बुरा, पर हमने अपनी पूरी कोशिश की है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव भी किए हैं। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। चलिए अब फिल्म देखते हैं। नया जन्म लगता है, इसलिए मैं बच्चों की तरह लड़खड़ा रहा हूँ। ये हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट इंटरवल होगा, बस तुम देखते जाओ। मैंने खुद देखा, कोई मेरा पीछा कर रहा था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। हम यहाँ फंस गए हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, पर कैसे? हमारे ऑनलाइन ग्रुप और इस पिक्चर की शूटिंग के बीच कोई तो वास्ता है। इट्स मेफ्लावर, हमारे ग्रुप में कोई है जो इसकी मौत का जिम्मेदार है। जोकर, वही असली मुजरिम है। पर ये बंदा है कौन, कहां पर है वो? कुछ समझ में नहीं आया, पिक्चर खत्म हो गया क्या? अच्छा लगा। हाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। प्लीज बैठे रहिए, साइलेंस प्लीज। Myself मीरा अनवर, सिटी पुलिस कमिश्नर। आप में से कोई भी इस हॉल से बाहर नहीं जा सकता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्लीज कोऑपरेट। ओके, आप सभी अपनी आईडीज पुलिस के हवाले कर दीजिए, कलेक्ट करिए जल्दी। अरे क्या मजाक चल रहा है, दरवाजा खोलो प्लीज। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जॉन डॉन बॉस्को, मैं एक मेंटलिस्ट हूं, मैं पुलिस की मदद करता हूं। आपके ग्रुप में शलॉक के आईडी से आप लोगों को फ्री डेटा देने वाला मैं ही हूं, वो भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। कैसी इन्वेस्टिगेशन? बताता हूं, जो जोकर आपने कहानी में देखा वो यहीं पर है, यहीं इसी थिएटर में। हम उसे ही पकड़ने आए हैं। डीजीपी ने स्पेशल ऑर्डर्स दिए हैं, इसीलिए हम ये इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। सो प्लीज कोऑपरेट विद अस जॉन, ऑल योर्स। मेरी आपसे यही दरखास्त है कि मुजरिम को मत बचाइए। अगर आपके बीच में कोई भी जोकर नाम के शख्स को जानता है तो बेहिचक बताइए, ठीक है? किसी को नहीं पता, राइट में जो जेंटलमैन बैठे हैं प्लीज खड़े हो जाइए। जब मैंने कहा कि जोकर तुम में से ही कोई है तो सबने यहां वहां देखा, सिर्फ तुम सर नीचा करके बैठे रहे, क्यों? क्योंकि मुझे सिर में दर्द हो रहा था। ओके, प्लीज स्टे। आप खड़े हो जाएंगे प्लीज, स्टे प्लीज, स्टैंड, स्टे प्लीज। आप खड़े हो सकते हैं। ये जज है क्या, स्टे ऑर्डर दे रहा है? आपका शुभ नाम? कालिदास। इस केस को ये नहीं, मैं सुलझाऊंगा। हेलो, थैंक यू वेरी मच। इन्हीं नौ में से कोई एक बंदा जोकर है, और जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो तुम जोकर नहीं हो? अरे मैं नहीं हूं, एक बार बोला समझ में नहीं आता आपको? अब बैठ सकते हैं। सिमेट्रिकल बॉडी लैंग्वेज। हाँ वाइट, सेम टू सेम। क्या बोला उसने? पता नहीं, एकदम बाउंस गया। घड़ी अच्छी है। क्या नाम है आपका? उर्वशी। क्या आप पुलिस स्टेशन गई थी?
पासपोर्ट का कुछ मसला हो गया था इसलिए। बैठो। थैंक यू सर। तुम यहीं रहना। मैं असमंजस पैदा किया। हाँ कुछ तो पैदा किया, पैदा होगा बड़ा होएगा तो दिखेगा। तुम यहीं रहना। ये क्या चल रहा है? नो आइडिया। तुम भी यहीं रुकना। मेरी तरफ देखो। तुम भी रुको। आई इंटीग्रेशन। मुझे उस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं, अपन खड़े खड़े इधर ही बुड्ढे हो जाएंगे। क्या आप दोनों मुस्कुरा सकते हैं? Keep smiling। ये क्या हंसने का कंपटीशन है? एक लड़के की जान लेने के बाद भी मुस्कुरा कैसे सकते हो तुम? तुम बैठो, खड़े रहो। चलो एक चीज ट्राई करते हैं। मुझे देखो, इस थिएटर में कितने लोगों ने चश्मा पहना है बता सकते हो? मुझे बता सकते हो प्लीज? अपना ध्यान मत भटकने दो, गिनते रहो। ओह माय गॉड, अब पता चल जाएगा। तुम लोग गिन तो पा रहे हो ना? हाँ। यस। सबके पास मोबाइल फोन है ना? यस। आप लोग शलोक से मिलने आए हैं ना? नहीं तो यही है। लॉजिकली एक इंसान एक साथ दो चीजें सोच ले इतना आसान नहीं है। ये झूठ नहीं बोल रहा। प्लीज बैठ जाइए। अगर मेरा अंदाजा सही है, ये चारों के चारों यहां शलोक से मिलने आए हैं, पर चार लोग कैसे? मुझे मैसेज करने वाला इनमें से कोई नहीं था। क्या बोल रहे हो? आप सबका मजाक उड़ा रहे हैं क्या? साइलेंस। पहले एक बंदा बोला था, अभी चार हो गए, अब लास्ट में बोलेगा कमिश्नरी मुजरिम है। हम इन लोगों को ज्यादा देर तक हॉल में रोककर नहीं रख सकते। अगर हमने आज ये केस सॉल्व नहीं किया तो सोशल मीडिया में हंगामा हो जाएगा। मुझे लग रहा है मैं नाकाम हो रहा हूं। दरवाजा खुलवा देती हूँ। सबसे कहेंगे हम मॉक ड्रिल कर रहे थे। तुम दोनों बैठ सकते हो, तुम भी। कब तक चलेगा? कोई बताएगा ये सब क्या हो रहा है? Is this some kind of a joke? दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। एक मिनट, क्या बोला तुमने? Is this some kind of a joke? आखिर ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारा नाम? अस्कर। मीरा, सबकी आईडी दोबारा चेक करना चाहता हूं। गेट मी द आईडीज। ये खत्म नहीं होने वाला है। Thank you.
हाँ बोल बे। ये मेरे को काय को घूर रहा है? कहीं जोकर तू तो नहीं? कभी कभी तो ये 24 घंटे भी ऑनलाइन रहता है। टाइपिंग के लिए इतना टाइम काय को लग रहा है? जयराज, ओम प्रकाश, कालिदास और एमिल, प्लीज खड़े हो जाइए। प्लीज स्टैंड अप। अब बोलेगा ये भी नहीं है, ऐसे ही होगा। तुम चारों के चारों सिर्फ एक जोक हो, बिना आर शब्द के। क्या आप प्लीज खड़े हो सकते हैं मिस्टर रेनिल? मैं हूं डेयर डेविल। ये तो अंधा है, इसने फिल्म कैसे देखी? महसूस तो कर सकता है। जोकर टीम का मास्टरमाइंड, ओरिजिनल नेम रेनिल, ग्रुप में इसका आईडी है डेयर डेविल। एक एवेंजर जो देख नहीं सकता, डेयर डेविल। सही कहा ना रेनिल? जोकर इनमें से कोई एक नहीं, ये सभी जोकर हैं। जयराज, ओम प्रकाश, कालिदास, एमिल और रेनिल, जो मिला के बनते हैं जोकर। जे ओ के ई आर। कमाल है यार, ये क्या बकवास चल रहा है? क्या एविडेंस है आपके पास? एविडेंस तो तुम खुद ही हो। जब मुजरिम पकड़ा जाए तो साइबर क्राइम साबित करना बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारे बैंक रिकॉर्ड्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, तुम्हारे सारे ट्रांजैक्शंस, तुम्हें अपनी हर हरकत का जवाब देना होगा। दे पाओगे? मैंने पहले ही कहा था ना, क्या ऐसे पेचीदा केस मिलिट्री और पुलिस भी सॉल्व नहीं कर सकती, सिर्फ एक मेंटलिस्ट कर सकता है। क्या? That's my boy. अगर चाहूं तो ये केस यहीं खत्म कर सकता हूं। सब अपने फोन दो, फोन दो। ओके, गलती हो गई हमसे, हम इस बात को मानते हैं। हम सबकी मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी और हम जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहते थे क्योंकि हमारे घर पर पैसों की तंगी थी। मुजरिम कोई भी हो, हमेशा जुर्म को अपनी मजबूरी ही बताता है। तुम सब इस दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं हो। ए, मुझे तो तुम्हारी इस दुनिया ने ही नाकाबिल बना दिया, इसीलिए मैंने इंटरनेट को ही अपनी दुनिया बना लिया। लेकिन हमने किसी की जान नहीं ली। जो तुमने किया वो जान लेने से भी बदतर है, भयानक है। तुमने उसकी आत्मा को भी मार डाला। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम रहम के काबिल नहीं। मीरा, they are all yours. लेकर जाओ इन्हें। बैंक रिकॉर्ड वेरिफिकेशन पूरी होते ही हम कोई ना कोई एक्शन ले लेंगे। उसके बाद मानव के पिताजी को रिहा करना आसान होगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे। See you soon. Bye. चारों को पकड़ लिया।
कल लॉकअप में जोकर गैंग की रहस्यमय मौत। आखिर में आत्मा ने बदला ले ही लिया। मानव के मम्मी पापा यहाँ आपसे मिलने आ रहे हैं सर। अच्छा, वो आपकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं सर। कल फिल्म अवार्ड फंक्शन है, हमारी इंटरवल को बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड के साथ 5 अवार्ड मिले। ओ कांग्रेट्स। और मुझे बेस्ट एक्टर मिला है सच में, और इसी के साथ मैंने एक्टिंग बंद कर दी है। क्या कहते हो, इस जगह को रिसोर्ट बना दे, गाड़ी का लोन तो चुका ले। ये तीन तीन अजूबे कौन है यार? अजूबे विजिटर की गाड़ियों को पार्किंग करना अलाउ नहीं। अरे है, हम विजिटर्स नहीं है अंकल, हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखने आए हैं। ये बहरा है अंकल, 100 बरस जवान रहने का मसाज है क्या सदा बार वाला? तुम में से किसको 100 बरस की जवानी की ट्रीटमेंट चाहिए? हम तीनों को ट्रीटमेंट चाहिए, जितना लगेगा बता दो। अच्छा। ये जवानी का ट्रीटमेंट यहाँ से पहले किसी ने लिया है क्या? हाँ बिल्कुल, कल ही तो एक ने ट्रीटमेंट पूरी की है। दिखाओ। आ रहा है वो जवान। ओह माय गॉड, ये यहाँ जॉन डॉन बॉस्को। ये यहाँ पर भी आ गया। हद है यार। अरे तुम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो? जान पहचान तो नहीं है, है ना बंधु? बेवकूफ बनाने के लिए इसे 4-5 लोग तो मिल ही जाते हैं। अरे बाप, तुम सब यहाँ? हमारी छोड़ खुद की बता। कुर्ता पैजामा पहन के तो ये स्वामी बन गया है ना प्रिया? अब तो संन्यास लेना पड़ेगा। तुम लोग मुझसे तो मिलने नहीं आना। चल टकले अपना काम कर। आयुर्वेद की 100 साल की जवानी है ना। बड़े भाई आप आम आदमी की तरह बात करना कब सीखोगे? एनीवे ये है नीलेश, नीरू, हेलो, अनु, तपस एंड जोसेफ। हेलो नीरू। अरे जो भी हो। अरे उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। वो तू है क्या? देखिए कभी आने में। चलो कोई नहीं, ये है ना। हाय, ये रॉन्ग नंबर है, हट जाओ। तुझे जलन हो रही है गंडे? हाँ ऐसे ही समझ लो। दो दो ले लाऊं कि दो दो मजनू? प्रियन तो बिल्कुल नहीं सुधरा, ट्रीटमेंट चालू है। आयुर्वेद की क्या जरूरत है, डोले शोले क्यों नहीं बनाते? वो सब बेकार है पॉल, मतलब जॉन। सब अच्छा, वैसे मर्दानगी की दवा पॉकेट में? क्या मर्दानगी की कौन सी दवा है? बाद में बताता हूँ, गूगल करके देखो बेबी। मेरे पास नहीं है। मुझे सब पता है। नहीं है मेरे पास। है ना? नहीं है। अरे पॉकेट नहीं में है। अरे जेब से निकाले तो। अरे रुक। नहीं है मतलब नहीं है। भागो यहाँ से, ये तो फिर पीछे पड़ गया।